हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर आज बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की। जी दोस्तों, संख्या पद्धति से ये 20 क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि बेस ऑफ द मैथमेटिक्स इज नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है वो अगर आपका अच्छा है तो आप मैथ में अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं इन क्वेश्चनों की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और उसके ऑप्शन है चार। सबसे छोटी अबाध्य संख्या है 0, 2 या ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे क्योंकि अभाज्य संख्याएं हमने बताई थी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 है और इससे कोई छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों अगर आपने आंसर नहीं कर पाया था और आपने मेरा आंसर सुन लिया तो कोई फायदा नहीं हुआ। आपको लगेगा कि हाँ हम जानते थे, लेकिन आपको मेरे बताने से पहले आपका आंसर, ठीक है? तो देखिए इसका जो आंसर है राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं अगले की। आप आंसर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपना बताइएगा। जैसे हमने ये दिया और इसके ये रहे चार ऑप्शन क्वेश्चन, और इन चारों ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करके लिखना है, उसके बाद आगे वीडियो देखना है। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी ये पूछा गया था। तो दोस्तों मैंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया था जब पढ़ाया हुआ था, तब मैंने बताया था एक नंबर आपको याद करना है 44, 22, 300, 22, बस 321। बहुत आसान है, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। आप ऐसे भी ऐसे कर सकते, नहीं तो हमने जैसे याद किया 44 22 322 321। अब इससे क्या फायदा है, आपने 50 तक पूछी है तो 10 20 30 40 50 यहां तक की संख्याएं काउंट कर लो। 4 4 8 2 10 2 12 और 3 15, यानी इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 15 है। तो देख सकते हैं क्या इसका राइट आंसर 15 है, बिल्कुल सही है। अच्छा दोस्तों अगर आप पूरी गुनेंगे तो 2 2 4 और 3 7 2 9 और 1 10 इधर होंगी। यानी अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि 1 से 100 तक कितनी होंगी तो 1 से 100 तक 15 और 10 25 हो जाएंगी, ठीक है? अगर आपकी कोई 51 से 100 तक पूछ ले तो आपकी 51 से 100 तक 10 होंगी। अगर भूल जाते तो यहां से यहां तक की काउंट कर देनी। दोस्तों इससे अच्छा एक तरीका और बताया था हमने, हमने बताया था कि ये जो संख्याएं हैं वो हैं 1 से 10 के बीच में। चले छोड़िए, यहां पर हम क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, ये चीजें हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत आसान तरीका बता चुके हैं कि 30 से 40, 80 से 100 या 10 से 80, 5 से 15, 44 से 90, ऐसे संख्याएं पूछी जाती हैं। अब आज कितनी होंगी तो उसके लिए ये ट्रिक जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और ऐसे क्वेश्चन कई एक पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए जो भी हमने क्वेश्चन बोला हुआ था उसमें सीधा पूछ लिया कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की कितनी संख्या होगी, तो अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, अभी मैंने बात की थी कि 1 से 50 तक 15 थी और 51 से 100 तक 10 थी, तो टोटल कितनी थी, 25। वही याद रखना है आपको, फिर से रिवाइज करा देता हूँ, 44 22 322 321, ठीक है? इसको लिख लेना, नोट डाउन कर ले। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, 25 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये रहे इसके चार ऑप्शन 1 4 0 या 10। तो सबसे पहला जब हम संख्या पद्धति पढ़ते हैं तो प्राकृतिक संख्या ही पढ़ते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं में पढ़ते हैं हम 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक की संख्या, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी इसमें 0 नहीं आया, यानी 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। बाकी देखिए 1 भी आया है, 4 भी आएगा इसमें, 3 के बाद 4 ही आएगा और आगे 10 भी आएगा, तो 1 4 10 ये प्राकृतिक है लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो क्या पूछा था, नहीं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाई कौन सी संख्या है, कौन सी मतलब आप ऑप्शन देखिएगा, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, या यहां पर पूर्णांक लिख लेना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर पूर्णांक संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो कौन सी संख्या है? तो देखिए न तो पाई परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पाई का मान कहां तक जा, देखिए इस पर मैंने अच्छा डिस्कशन किया हुआ है, दशमलव संख्याएं बताई हुई हैं वहां पर हमने बताया है, बार फॉर्म भी पड़ा हुआ है वहां पे, और वहां पे भी आप देख सकते हैं, यानी आप अगर चार लेक्चर देखेंगे तो ये क्वेश्चन एकदम मुंह जबानी आप समझ जाएंगे। पाई प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि दशमलव में इसका मान होता है, और पूर्णांक संख्या भी नहीं है क्योंकि दशमलव में मान होता है, अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, और देख लेते हैं क्या, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपने देखा होगा, और नए तरीके से भी मैं बता देता हूं कि ये संख्याएं देखिए सारी 5 अंकों की, आप ऑप्शन चेकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं अगर भूल जाते हैं, लेकिन ये तो आसान है, भूलेंगे नहीं।
पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर बात करें तो ये पांच अंकों में सारी लिखी है, लेकिन ये पांच अंक की नहीं मानी जाएगी क्योंकि जीरो जीरो कोई संख्या नहीं है। एक जीरो लिख दो ना पांच जीरो की जगह, तो पांच अंक की कहाँ है, एक अंक की है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये लिखने का तरीका गलत है, तो बी तो हो ही नहीं सकता। अब रह जाती है ए, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब इसे पढ़ सकते 11111 है और ये 10101 है, तो ये दोनों बड़ी हो गई, तो ये रह गई सबसे छोटी। और हम जानते भी हैं जितने अंकों की पूछी जाए एक के बाद उन्हें पूरा करने के लिए उतने अंक लगा दो। जैसे पांच अंकों की पूछी है तो चार जीरो लगा दो, तीन अंकों की पूछी है तो एक के पीछे दो अंक लगा दो, ठीक है, दो जीरो। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर सी है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शन चार आपके सामने रहे, आप इसको राइट आंसर कर सकते हैं। जल्दी से आप कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि हमें पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना इंटरेस्ट दिखाया है, और ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको अच्छे क्वेश्चन लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि ये सेक्शन कैसा लगा। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन रहे आपके सामने चार। और देखिए पांच अंकों में सारी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कितनी है, 11,000 है, ये 9,000 है, ये 9,000 सॉरी 90,000 है, ये 90,000 है सॉरी, और ये 11,000 है, और ये 99,000 है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन डी। देखते हैं क्या राइट आंसर यही है इसका। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों। और इसको कैसे लिखते हैं कि जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है उतने बार नौ लिख दो, एक अंक की नौ, दो अंक की पूछी तो 99, तीन अंक की पूछी तो 999, ये इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याएं दी गई हैं और उनमें से कौन किससे कितनी अधिक है। जैसे आपसे आपसे कहा गया कि 5 रुपया है वो 3 रुपए से कितना अधिक है, तो 5 में से 3 घटा दो तो 2 रुपया अधिक है, 5 किससे 3 से। इसी तरह से अगर कभी भी कम और अधिक पूछा जाए कौन इससे कितना कम है अधिक है, तो आप क्या करें उनको घटा दीजिएगा एक दूसरे से। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, चार चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे। अब इन चार ऑप्शन में आप देख रहे हैं आपको घटा करके, अगर इसमें एक छोटा तरीका और भी होता है कि जब आप इकाई अंक घटाएंगे, जैसे सबसे बड़ी संख्या इनमें दोनों में कौन सी है, तो पहली वाली बड़ी है, यानी पहली वाली में से, क्योंकि यहाँ पे है 67 के बाद 8 आया और 67 के बाद 6 आया और अंक बराबर है। अब हमें करना क्या है, अब इसके इकाई अंक 4 में से आप 9 घटाइएगा, ठीक है, टाइम बचाना है, तो 4 में से 9 घटेंगे नहीं, अंदर आंसर लेंगे 14 में से 9 गया 5। इकाई अंक देखो 5 1 का है सिर्फ डी का, तो आपको आगे करना ही नहीं है, समय बचाना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की बात करी जाएगी, ऑप्शन चार आपके सामने रहे, आप पढ़ सकते हैं इनको और फिर अच्छे से वीडियो को रोकिएगा और इसका आंसर करिएगा। जैसे दो सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, आप ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भूल जाते हैं तो मौखिक करिएगा, बिल्कुल। जैसे हमने लिखा 8, 8 में से 6 घटाया, दो सम संख्याओं का अंतर कितना आया 2, कोई सी ले लो 4 और 2 ले लो, तो 2 लगातार होनी चाहिए, देखो यहाँ पर 2 लगातार, तो 2 के बाद 4 ही आता है, 8, 6 के बाद 8 ही आता है, तो 2 आता है, तो पहला आंसर बिल्कुल सही है अभी तक। तो देखते हैं दुख के उपरोक्त सभी भी, तो दूसरा देखें, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर 1 होता है, 3 और 1 अंतर देखो कितना आया, तो 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2 आता है, 3 नहीं आता, ऑप्शन बी गलत, यानी ऑप्शन डी भी गलत, सभी नहीं हो सकते। अब रह गया 5 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसे 5/1 लिख सकते हैं, तो आप समझ जाइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 2 लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। ऑप्शन चार रहे आपके सामने, 0, 1/9, पाई या नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, आप राइट आंसर करिएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। देखिएगा क्यों, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, ये कंफ्यूज करता है, तो p/q बन गया, 1/9, p ऊपर q नीचे, देखो p/q की फॉर्म ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों तो हैं, ये नहीं है पाई, क्योंकि इसका नंबर होता है 3.14, आगे सम सम समथिंग डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, अंकों की कितने की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ऑप्शन चार रहे आपके सामने, 1, 11, 101 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी, इसमें 5 जीरो लगा देंगे हम, तो ये लग गई। अब देखिए अगर इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1, यानी कि इसका जो राइट आंसर है आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए। अब देखिए हमेशा अगर हमारी एक छोटी से छोटी संख्या है, मान लो छोटी से छोटी संख्या 2 अंकों की 10 है, और इसमें से बड़ी संख्या अगर 1 अंक की घटाएंगे तो हमेशा 1 बचे। ऐसे ही देखिए अगर हमारी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है और उसमें से 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या घटाएंगे तो
यानी यहाँ पर अंक ज्यादा होने चाहिए और छोटी छोटी, यहाँ अंक कम होने चाहिए एक और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, और इसका अंतर जब करेंगे तो हमेशा एक आएगा। इसी तरह से चार अंकों की में भी देख लीजिएगा आप, 1000 और इसमें 999 कम करेंगे तीन अंकों की बड़ी से बड़ी, तो एक ही बचेगा। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चनों का आंसर हमेशा एक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ऑप्शन चार आपके सामने रहे, ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानना। गुणात्मक प्रतिलोम खास करके टेट, सीटेट, सुपर टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब समझ लीजिएगा एक बार, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल एक होता है, जैसे एक्स गुणा वाई बराबर हमेशा कितना होना चाहिए, एक। अब इसमें एक दिया गया है 5/6 और उसका दूसरा पूछा गया है, तो इसका पांच आप आंसर करिएगा पहले, 5/6 गुणा दूसरा बाई पूछा गया बराबर एक। तो अगर हम बाई निकालेंगे तो ये 6 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6/5। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दिखेगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। समझ गए? तो गुणात्मक प्रतिलोम भी आप सीख गए होंगे। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल जब एक होता है तो उन्हें गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। चलिए अगला आ गया क्वेश्चन नंबर 13। 45 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ऑप्शन में आपके सामने, गुणात्मक प्रतिलोम में किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल होता था, कितना होता था? एक। लेकिन अब योज्य मतलब गुणात्मक से गुणा का मतलब था और योज्य से योग का मतलब, इसका मतलब यहां पे क्या होगा? किन्हीं दो संख्याओं का योग जीरो होना चाहिए, तो वो योग क्या होता है? योज्य प्रतिलोम। अब उनमें से एक दे रखी होगी, जैसे 45 एक्स का मान दे रखा है, बाई का मान पूछा है बराबर जीरो, और बाई अगर हम निकालेंगे तो 45 कहां पहुंच जाएगा उधर, और कैसे का हो जाएगा? माइनस का, माइनस 45 इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो आप सीख गए गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम क्या होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट, लगातार 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? ऑप्शन चार आपके सामने रहे। दोस्तों यहां पर ये निकालने के लिए आपके लिए कुछ एक चीज जानना बहुत जरूरी है, 20 संख्याओं का लगातार 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जब योग निकालना होगा तो आपको एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, लगातार 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है एन, एन प्लस वन अपॉन टू। मतलब लगातार जितनी भी संख्याएं होंगी वो एन का मान होगा, जैसे एक से लेकर के ए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर डॉट 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 डॉट, हमें 20 तक निकालना है यहाँ, तो n का मान यहां पे हो जाएगा 20। अब हम 20 रखेंगे तो n इस सूत्र में रख दीजिएगा, 20 n का मान 20 प्लस 1/2, 2 से काटेंगे 2 × 2 = 20, ऊपर कितना बचा ये 10 गुणा 20 और 1 = 21, 21 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 210। जी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है इसका 210। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लगातार 13 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगातार इसके लिए हम एक ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक इसकी जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको सारी लिखनी पड़ेगी। और यहाँ तो अभी 13 तक पूछा है, अगर मान लो 103 तक पूछ दिया तो इतनी विषम संख्याएं आप कहाँ से लिखेंगे? तो पहले देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या है, आप इसको आंसर कर सकते हैं। पहले कोशिश करिएगा प्रैक्टिकल, थोड़ा समय ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर निकालना सीखेगा पहले, फिर हम ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक क्या होगी देखिए दोस्तों, उसने क्या बताया है, 13 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा? आपको ये देखना है इसमें विषम संख्याएं 13 तक होंगी कितनी। अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, अब 13 तक अगर हम विषम निकालें तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सबसे पहला काम क्या है, हमें यह पता चल जाए कि उसमें विषम संख्याएं हैं कितनी, और उन विषम संख्याओं को निकालने के बाद उनके नंबर्स ऑफ टर्म्स का वर्ग कर देंगे, 7 का वर्ग कितना हुआ 49। अब देखिए अब इसको मौखिक कैसे निकालेंगे कितनी संख्याएं होंगी, तो देखिए जब आपकी यहां पे संख्याएं गिननी हो एक से लेकर के अनंत तक जितना भी दिया जाए, जैसे एक से लेकर के 20 तक गिननी है, तो देखो आधी सम होती है और आधी विषम होती है, तो 10 सम होंगी 1 से 20 तक और 10 विषम होंगी, ध्यान देना इस चीज का। इसके बाद अगर आपको 13 तक गिनना है तो आप इस 13 को पहले सम बना लो, यानी 13 निकाल दो, 12 तक गिन लो, एक पहले तक गिन लो, 12 तक गिनेंगे तो 6 सम होंगी और 6 विषम होंगी, आधी आधी होती हैं। अब इसके बाद एक और बच गई 13, तो 6 सम और 6 विषम होती है, तो 6 विषम और एक और विषम हो गई 13, तो उस विषम कितनी हो गई 7। इसी तरह से देखो अभी हम गिनते हैं,
अगर आपको अभी हम कह दें कि आप सात तक बताइए कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो सात को बना लो छह, अब इसमें तीन सम तीन विषम प्लस एक सातवीं विषम होगी, छह को छह बनाया था, सात छोड़ दी थी तो सातवीं तो विषम है, तो सात तीन और एक चार विषम हो जाएंगी, सात तक और तीन सम होंगी। तो देखो सात रहा, ये रहा ये सात है, इससे पहले देखो सम तीन होगी, एक दो तीन, और विषम चार होंगी, देखो एक दो तीन और चार, तो समझ गए सम और विषम निकालना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंट है यहाँ पे, देखिए हमने आपके लिए ये हिंट भी रखा हुआ था, इसमें आप देख सकते हैं, तो हिंट में हमने लिखा हुआ था यही, एक सेकेंड अभी हम उसको अच्छे से दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंट में लिखा हुआ है वो सूत्र एन स्क्वेयर करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कितने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, लगातार 20 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा। यहां भी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, अभी सम संख्याएं निकालना सीखेंगे पहले। तो देखिए ये रही 210 या 110 या 100 या 111, आप आंसर करके देखिएगा, 20 तक तो आसान है, आप कर सकते हैं, आंसर बताइएगा, और उसके बाद हम इसका आंसर, आप पहले मैं हिंट देख लेते हैं क्या होगा इसमें, हिंट एन एन प्लस वन, ठीक है। चलिए और इसका राइट आंसर होगा 110। अब कैसे होगा देखिए, हमने अभी बताया था संख्याएं गिनना, एक से 20 तक अगर गिनेंगे तो 20 तक है, क्योंकि 20 सम संख्या है, तो यहां पर 10 सम होंगी और 10 विषम होंगी, ठीक है, 10 सम होंगी एक से 20 तक और 10 विषम होंगी। अब हमें क्या करना है, एन एन प्लस वन, एन का मान कितना आ गया सम का, सम संख्या कितनी है 10, तो एन बराबर 10 पुट करना है इसमें, तो 10 10 प्लस एक, तो ये 10 गुणा 10 प्लस 1 कितना होगा 11, 11 2 110, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया 110। तो आप इस तरह ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर 10 की जगह उसने 20 की जगह उसने पूछा होता आपसे, मान लो 11 तक की सम संख्या है, तो 11 तक सम निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको 10 बनाना है, ठीक है, और 10 में 5 सम होंगी 5 विषम होंगी, और 11 कैसी है विषम, तो विषम एक ज्यादा हो जाएगी, सम तो 5 ही रहेंगी, और सम 5 हैं, तो 11 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालेंगे, तो एन 5 एन प्लस 1 अगली संख्या 6 से गुणा कर दो 30 आंसर आ जाएगा। तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 17वां, लगातार 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ऑप्शन आपके सामने ये रहे, तो वर्गों का योग क्या होता है हम आपको बता दें, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, आपको पूछा 20 तक की वर्ग करने हैं और सबको जोड़ना है, सभी संख्याओं का वर्ग करके जोड़ना है, ये पूछा गया क्वेश्चन, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है आपको, वो इस फार्मूला ही याद करना, एन एन प्लस वन एन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। चलिए एन का मान यहां पर लगातार 20 है तो आंसर 20 ही हो जाएगा एन का मान, क्योंकि 20 संख्याएं ऐसे जोड़ेंगे 1 2 3 4 20 तक गए तो 20 हो जाएगा, 20 प्लस 1 एन प्लस 1 तो 20 प्लस 1 21 हो जाएगा इनटू, अब 2n प्लस 1 20 दूनी 40 और 1 41, आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 गुणा 20 प्लस 1 ऐसे कर सकते हैं अपॉन में 6, ठीक है। अब काट दो, दो से काटेंगे, 2 2 20, 2 3 6, 3 7 21, ये मैंने कराया था आपको कि विभाजिता के नियम में कौन सी कंसेप्ट कैसे कटेंगे, तो 20 2 40 और 1 41, अब 41 और 1 10 ये है, तो यहाँ पे 1 0 लगा लेंगे और गुणा 7, तो 41 2 410 गुणा 7 और 7 0 0 7 7 28, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 28 70। देखते हैं आपने आंसर निकाला, बिल्कुल सही है 28 70 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 4, इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं, और फैक्टोरियल 4 का मान पूछा गया है कितना होगा, फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4, ये भी एक ही बात है, और या फिर ऐसे लिख दो 4 के बाद ऐसे करके यू बना दो, तो ये भी फैक्टोरियल है। अब फैक्टोरियल को हम खोलते तो क्या होता है, जो लिखा है उसको लिखो, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक गुणा करते चले जाओ, जैसे 4 लिखा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, अभी 2 और 1 गुणा 1, इसको घटते हुए क्रम में गुणा करना है, जैसे फैक्टोरियल अगर आपसे 5 का पूछा जाता तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 1 तक आना है घटते हुए क्रम में गुणा करते हुए, तो फैक्टोरियल 4 का मान पूछा था, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 दिया 12 2 24 1 24, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 24। आप वीडियो रोक के जरूर आंसर करिएगा। चलिए ये आ गया क्वेश्चन अगला 19वां, -1 -2 -3 -4 -5 कौन सी संख्याएं हैं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं। तो आपको मैंने बताया था पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन, तो यहां पर कैसे पूर्णांक दिए गए, सीधा सीधा माइनस लगा हुआ, तो आप सीधा समझ गए होंगे कैसे पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 20वां, सीधा सीधा
सिर्फ एक चीज जाननी है, प्लस माइनस की जानकारी। तो इसको अगर हम घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन में देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 31 माइनस 31 30 या 26। तो सीधी सीधी माइनस की संख्या बड़ी है, -78। तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा। तो सीधा सीधा एक ही माइनस का दिया है तो 31 कर दो, नहीं तो आप घटा सकते हैं। 8 में से 7 गया, 1 बचेगा, और 7 में से 4 गया, 3 बचेगा और माइनस का बचेगा, -31 का रहता है। इसमें दिया हुआ है कि जो अंक दिए गए हैं 6, 5, 0, 2, 3, 8 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ये पूछा गया है। इसके चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे और आप इसका आंसर बताइएगा। चलिए मैं इसका आंसर आप बताता हूं, अगर आपको वीडियो मतलब आंसर नहीं बता पाते तुरंत और आंसर बताना चाहते तो आप वीडियो को पॉज कर लें। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 6,61,752। अब मेन बात क्या आ जाती है इसमें, हम इसको संख्या सबसे बड़ी कैसे बनेगी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी। तो सबसे सिंपल तरीका है, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए तो पहले बड़े अंक लिखेंगे, बड़े अंक से शुरुआत करेंगे और घटते हुए जाएंगे, और छोटी बनाने के लिए छोटे अंकों से शुरुआत करेंगे। ठीक है, कौन से अंकों से? छोटे अंक से। जैसे जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई संख्या में अगर हमने जीरो शुरुआत करी तो वो नहीं होगा। जैसे सबसे बड़ी अंक संख्या के लिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें? 8। उसके बाद उससे छोटा 6, उसके बाद उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 0। तो ये बन गई सबसे बड़ी संख्या इन अंकों के द्वारा, कौन से? 6, 5, 0, 2, 3, 8 से। अब सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक, लेकिन जीरो नहीं लाएंगे तो एक अंक कम 5 अंकों की रह जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा अंक उसके बड़ा लो लेके आएंगे, जीरो से बड़ा कौन सा है, तो जीरो से बड़ा यहाँ पे 2 है। फिर इसको जीरो लेके आएंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 8, और ये हो गई सबसे छोटी संख्या। अंकों से संख्या बनाना सीख लो। और अब इनका अंतर घटाएंगे तो 10 से 2, 8 गया 2 बचेगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ से 8 गया 2 बचेगा, यहाँ रह गया 1, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ गए 6, 11, 11 से 6 गया 5। तो लास्ट में 52 में है अभी, तो हम और आगे जाएंगे और यहाँ रह गया 2, यहाँ हासिल लेंगे, 12 से 3 गया 9 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना रह गया था, हाँ 12 में से 5 गया तो 7 आएगा, ये 5 जाएगा तो 7 आएगा। ठीक है, और इसके तरह हमने देखा 752 सिर्फ एक में है, ऑप्शन बी में, तो आगे घटाएंगे तो आपका उतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि संख्या दी गई है 34 और a, किससे 3 से पूरी तरह से विभाजित है, तो a का मान क्या होगा? ऑप्शन 4 है, 2, 1, 0 या 4। तो संख्या कैसी है, एक अंक उसका 3 है, दूसरा 4 है, और तीसरा उन्होंने a लिखा हुआ, a की जगह हम कितना लिखें जिससे कि एक अंक 3 से कट जाए। तो हमने क्या बताया था, संख्या के अंकों का योग है वो 3 से कटना चाहिए तब संख्या कटेगी। तो अगर हम अंकों का योग करें 3 और 4, 7, आप आंसर करिएगा तब तक, और 7 के बाद इसमें क्या जोड़ें जिससे कि ये संख्या 3 से कट जाए। तो 7 में अगर हमने 2 जोड़ा तो 7 और 2, 9, 3 से कट जाएगी, 3 दिया 9, यहाँ ए की जगह कितना रख दो, 2। अब 9 कट गई, इसका मतलब इसका राइट आंसर ए हो गया। अब देखो, 1 रखो, 7 ए की जगह 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 अगर काटोगे तो 8 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब नहीं कटा तो ये बी नहीं होगा इसका आंसर, सी भी नहीं होगा, क्योंकि 0 रखोगे तो 7 रहेगा, और 4 रखोगे तो 7 और 4, 11 हो जाएगा, तो 11 भी 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, 720 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? आज हमको आपको अभाज्य गुणनखंड बताते हैं क्या होते हैं, 720 के बाद गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 720 लिखेंगे दोस्तों, आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो 720 में पहले हम इसको काटेंगे खंड, तो अगर हम सीधा सीधा देखो, 2 के मल्टीपल हो उससे काट सकते हो, जैसे 2 से 4 से 8 से 16 से, अलग अलग काटना, 9 से 27 से 3 से, ऐसे अलग काटना। तो हमें हमें 9 से काटेंगे, 9 अट्ठे 72, कितना हो गया, 80। ठीक है, अब ये 16 से कट रहा है, 16 पंजे 80, या 5 से काट दो तो 16 गुणा 5, ये हो गए इसके खंड, 9 गुणा 16 गुणा 5। अब अभाज्य गुणनखंड चाहिए, क्योंकि ये 9 अभाज्य नहीं है, 16 अभाज्य नहीं है, 5 अभाज्य है अकेला। तो सभी अभाज्य बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 गुणा 3, 9 को, ये देखो 3 अभाज्य गुणनखंड हो गए दोनों। 16 को लिखेंगे 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16 गुणा, तो इसको लिखेंगे हम सबसे पहले, अगर हम 2 लेके आएंगे तो 2 की पावर कितनी हो गई है, 4, उसके बाद 3 की पावर 2, और 5 की पावर 1, इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए देखिए यही दिख रहा है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होगा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, राम और श्याम की मासिक आय 500 और 800 रुपए है, ये मौखिक क्वेश्चन है। तो बताइए राम की मासिक आय श्याम की मासिक आय से कितना कम है? तो हमने कल बताया था जब कम और ज्यादा निकालना हो, कौन सा कितने से कितना कम है कितना ज्यादा है, तो दोनों को आपस में घटा दो। तो सीधा 800 माइनस कितना कर देंगे 500, कितना बचेगा 300। ये सीधा राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, ये दो छोटे क्वेश्चनों से हम शुरुआत कर रहे हैं और हम आगे फिर बड़े क्वेश्चनों पे जाएंगे जैसे ही हमारे छोटे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपके सामने ऑप्शन रहे चार। इसमें लिखा है दो सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ऑप्शन ए। बी आप पढ़ सकते हैं, दो संख्याओं दो विषम संख्याओं का योग सम होता है, ये सही है या गलत है ये देखना है। अभी ये देखो, अभी फिलहाल तो देखा जाए तो दो सम संख्याएं कोई सी ले लो, ऑप्शन ए पे आ जाओ। 4 + 6 ले लो, 6 और 4 10, कोई सी ले लो, 2 ले लो और 8 ले लो, तो कितना होगा 10। इसका मतलब सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी, दो विषम संख्याओं का योग सम होता है, देखो 3 + 5 कितना 8, बिल्कुल होता है। 7 + 3, 3 की जगह 9 ले लो, 9 7 16 कितना हो गया, तो आप समझ गए यानी कि दो विषम संख्याओं का योग भी सम होता है। तो दो ऑप्शन सही है और तीसरा अपने आप भी सही होगा, दो विषम संख्याओं का अंतर 2 होगा। तो 3 में से 5 में से 3 घटाएंगे तब भी 2 अंतर आएगा, 9 में 7 घटाएंगे तब भी 2 अंतर आएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सारे सही, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला देखते हैं, 65 23 75। ठीक है, 6,52,375 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा ये पूछा है। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, आप बता सकते हैं। तो हमने उस दिन वीडियो में बताया था कि 2 लिख लो और उसके बाद जितनी भी अंक हैं उतने 0 लगा दो, तो 3 अंक हैं तो 3 0 लगा दिए, कितना हो गया 2000। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 3 5 7 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही है, 300। क्यों, कभी बताया था हमने 3 लिखो और उसके बाद 2 अंक हैं और दोनों अंकों के लिए 0 लगा लो, या फिर हमने ये बताया था कि जिसका पूछा है उसे छोड़कर बाकी सबको 0 बना दो। तो देखो कितना हुआ ये 300। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 8 9 7 6 8 में 8 का स्थानीय मान पूछा है, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा। अब 8 दो जगह है तो उनका स्थानीय मान किस तरह से निकालेंगे, तो ऑप्शन के थ्रू हम आपको बताते हैं। देखिए तो सबसे पहले पहले 8 का, फिर बाद में दूसरे 8 का, तो पहले 8 कौन सा है, तो पहले 8 का जब हम निकालेंगे तो 8, ये वाला 8, और बाकी की 1 2 3 4 0 लगा देंगे। ठीक है, और दूसरे 8 का 8 ही रहेगा और उसके बाद 0 है ही नहीं है, तो ये 8 पर पहले 4 0 फिर अकेला 8, तो ऑप्शन ए पार्ट सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। आप अपना जब हम सॉल्व करते हैं तब आप वॉल्यूम पुश करके अपना खुद लगा दीजिएगा। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, 4593 में सभी का स्थानीय मान क्या होगा, सबका स्थानीय मान अलग अलग बताना है, तो सबका स्थान अलग अलग बताने के लिए 3 का स्थानीय मान 3 ही रहेगा, 9 का 9 पे 1 0, 5 का 5 पे 2 0, 4 का 4 पे 3 0, तो ऑप्शन कौन सा है, 4 पर 3 0, 5 पर 2 0, 9 पर 1 0 और 3 अकेला, ये रहा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 30वां, 8 में 8 का स्थानीय मान पूछा है, लीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8 में 8 का स्थानीय मान कैसे निकाले, 8 होगा 80 होगा 8000 होगा या उपरोक्त सभी होंगे। तो दोस्तों 8 में 8 का स्थानीय मान जब निकालेंगे तो इस तरफ से निकले तो 8 ही रहेगा, क्योंकि आगे पीछे 0 है ही नहीं है, तो हम 0 अंक है ही नहीं तो 0 लगाएंगे नहीं, तो 8 में 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलिए 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 432 में 4 तथा 2 के स्थानीय मान का योग पूछा है, कितना होगा, ऑप्शन ये रहे आपके सामने 4, बिल्कुल 402 होगा, कैसे होगा चलिए देखिएगा देखते हैं। तो देखो 432 में अगर हम 4 का स्थानीय मान निकालें तो 4 के पीछे 3 दो दो अंक हैं तो 400 हो जाएगा, फिर हम 2 का स्थानीय मान निकालें तो 2 के पीछे कुछ है ही नहीं है तो 2 अकेला रहेगा। देखिए यहाँ पर 4 का स्थानीय मान 400 और 2 का स्थानीय मान 2, अब इन दोनों का योग पूछना है, 400 और 2 कितना होगा 400, तो बिल्कुल सही है सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 6,739 में सभी संख्याओं के स्थानीय मानों का योग पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जब सभी संख्याओं के स्थानीय मानों का योग पूछा जाए तो यानी कि वो संख्या स्वयं होती है, कैसे, जैसे अगर हम 6 7 3 9 इसमें सभी अंकों का स्थानीय मान निकालें, ये 9 निकलेगा, ये 30 निकलेगा, ये 7 100 निकलेगा,
और ये 6000 निकलेगा। 6000 में 700 जुड़ेंगे 6700, 30 और जुड़ेंगे 6730, और 9 और जुड़ेंगे 6739 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी अगर किसी संख्या में सभी अंगों का स्थानीय मान पूछा जाए तो वह संख्या स्वयं होती है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें चार ऑप्शन भी आपके सामने हैं, जैसे 6739, ये जो 6739 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। तो 7 का स्थानीय मान मैंने बताया था, 7 को लिख लो और बाकी अंकों को 0 बना लो, तो 700 हो गया। 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो नीचे 3 का स्थानीय मान 3 लिखो, बाकी के अंकों में इधर उधर 0 बना लो, 30 हो गया। अंतर पूछा है तो 700 में से 30 चला जाएगा, तो 670 बचेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, देखते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखते हैं 34वां, 9450 में 4 तथा 5 का जाति मान कितना होगा। अब 4 और 5 का जाति मान आपको बताना है, 4.5, 4.50, 400.5 या 450। तो दोस्तों हमें आप ये अगर आप डी ऑप्शन देखें तो ये है स्थानीय मान, लेकिन पूछा क्या है उसका जाति मान। और जाति मान क्या होता है, जाति मान जो संख्या होती है वो अंक होता है वो स्वयं उसका जाति मान होता है। तो 4 का जाति मान 4 और 5 का जाति मान 5 ही होगा, इसलिए उसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 760 में सभी का जाति मान का योग कितना होगा, यानी कि हम सभी के जाति मान 7 का जाति मान 7, 6 का जाति मान 6 और 0 का मान 0, और सबका अगर हम ऐड निकालेंगे तो 7 और 6 13 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर, देखते क्या इसका राइट आंसर बी है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 56.785 में 6 का जाति मान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पॉइंटों में, दोस्तों आप बता सकते हैं कितना होगा। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें अगर हम देखें 56.785 में 6 का, तो हमने क्या बताया था, अगर हम इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे कि 6 रोक लो बाकी सबका, सॉरी 6 का जातिमान पूछा है, तो कहीं भी हो 6 उसका जातिमान 6 ही होगा, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, कहीं भी बना दो 6 पूरी संख्या में चाहे पॉइंटों में हो उसका जातिमान, क्योंकि अंकों का जातिमान वही रहता है जो वो अंक है, बिल्कुल 6। देखिए 37वां, 56.785 में 8 का जातिमान, तो आप जान गए होंगे कहीं भी 8 हो उसका जातिमान 8 ही होगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। 38वां, अब क्वेश्चन अगला था 9084564 में 4 का जातिमान, अब 4 2 जगह आ गया और इसीलिए उसने 4 के जातिमान का योग पूछा है। तो देखो दोनों जगह 4 का जातिमान अलग अलग नहीं होगा, समान होगा, लेकिन होगा तो दो, यहां पर भी 4 का जातिमान 4 होगा और इसमें भी 4 का जातिमान 4 होगा, और दोनों का योग पूछा है, तो 4 और 4 कितना होगा आपका 8, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही, देखिए ठीक है। 39वां क्वेश्चन, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आया क्योंकि यहां पर स्थानीय मान दशमलव में पूछा, तो यहां पर सबसे पहले संख्या दी गई है और उसके ऑप्शन दिए, हम देख लेते पहले कौन से 4 आएंगे। 964.08445 में 6 का स्थानीय मान पूछा गया है। अगर 6 का स्थानीय मान पूछा गया है तो हमने क्या बताया था कि 6 को रोक लो बाकी सबको 0 बना लो, तो यहाँ पे 6 0 0.0000, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 60, ऑप्शन ए। यहाँ पर थोड़ी सी वाली मिस्टेक, ऑप्शन पे गलत टिक हो गया है, 6/1000 हो गया है, लेकिन नहीं इसका 60 होगा, ठीक है कोई बात नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बता देते हैं हम आपको, 5, 6, 7, 4, 3 में 4 के स्थानीय मान और जाति मान का योग कितना होगा। ऑप्शन पूछे गए हैं 4, तो आप समझ गए होंगे सीधा, 4 का जाति मान 4 होता है और स्थानीय मान, यहाँ पर 4 का 4 के बाद एक 0 लगा देंगे, 40 और 4 जाति मान, ये स्थानीय मान रहा ये जाति मान, और इनका योग करेंगे तो 44 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है क्योंकि हमने शुरुआत ही 0 लेवल से की है, तो पहले शुरुआत में आसान ही होंगे और उसके बाद हमारी लेवल बढ़ती जाएगी। इसमें लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे 15975 में 9 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर 9 का स्थानीय मान, क्योंकि हमने क्या बताया था, अगर आपका संख्या ये है 15975, ठीक है, तो इस 9 का स्थानीय मान पूछा है आपको, तो 9 के बाद जितने भी अंक है उतने 0 लगा दो, ये 9 का स्थानीय मान हो गया, या फिर ये कह सकते हैं जिसका स्थानीय मान पूछा उसे छोड़कर बाकी सब 0 कर दो, तो 9 का पूछा है 9 को छोड़ लिया बाकी सब 0 कर दिया, तो ये हो गया आपका 900, तो 9 का स्थानीय मान 900, और 9 का जातिमान होता है 9 और उसका अंतर पूछा यानी 9 घटाना है, तो 900 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 891, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
यहां पर पॉइंट में स्थानीयमान और जातिमान में बात कही जाएगी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 642 दशमलव कितना है, आप देख सकते हैं 642.43। और इसमें पूछा है कि चार के स्थानीय मान का योग कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर चार दो बार आया है और दोनों बार चार का स्थानीय मान अलग अलग होगा और उनका योग पूछा है। तो हमने आपको एक तरीका बताया था सबसे बेस्ट क्या, कि अगर आप इस चार का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये चार लिख लो, बाकी सब जीरो बना दो, 0.00। तो कितना हो गया ये 40। अब निकालना हमें इसका स्थानीय मान, तो 0.4 इसे ऐसा ही रहने दो, बाकी सबको जीरो बना दो। इसके पहले तीन अंक हैं और इसके बाद एक अंक है, तो 0.4 हो गया। अब इन दोनों का योग पूछा है, किसका, 40 का और 0.4 का। तो 40 प्लस लिखेंगे 0.4 अपॉन में एक, ठीक है, दशमलव लगा के एक जीरो लगा लो, दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 100 का गुणा 10 का गुणा कर दो, इसमें अपॉन वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 100 10 चौक 40 और एक जीरो पहले से, तो 400 हो गया, प्लस ये कितना होगा 4/10। तो ये आंसर इसका आ जाएगा 404/10। अगर आप आंसर कर सकते हैं तो आप आंसर कर दीजिएगा और वीडियो को आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या है, 404/10। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 43 43वां, फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। 159.75 में पांच के स्थानीय मान का अंतर पूछा है, क्या होगा, ऑप्शन ये आपके सामने रहे, तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले 159.75 लिखा, पहले हम पहले वाले पांच का निकालेंगे स्थानीय मान, तो ये सीधा 50 आ जाएगा क्योंकि बाकी सब जीरो रह जाएंगे इधर उधर, तो कितना होगा ये 50। दूसरा इस पांच का निकालेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद 0.5, क्योंकि हमें सबको जीरो बनाना है, ये गलत मत कर लेना कि 0.5 कर लो, 0.05 होगा। अब इनका अंतर पढ़ाना है, यानी 50 में से घटाना है, माइनस करना है 0.05 अपॉन में 1, पॉइंट लगा के दो जीरो बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो। तो ये कितना हो गया आपका 50 माइनस ये रह गया 5/100 अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 100 × 50 कितना हो गया 5000 माइनस 5/100 100, तो 5000 होंगे ये, और 5000 में से 5 गया तो 4995/100 कितना आ जाएगा 100। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कौन सा होगा, 4995/100 ऑप्शन बी था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 44 की। 44 में भी सेम टाइप का है, थोड़ा सा अंतर है, जातिमान का अंतर पूछा है। तो दोस्तों कभी भी जातिमान का अंतर पूछा जाए तो आपको सिर्फ उसी से मतलब है जो अंक दिया है, संख्या से कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि संख्या में अगर चार का जातिमान पूछेंगे तो चार ही हो जाएगा होगा, चाहे संख्या कुछ भी हो, अगर उसमें चार का पूछा तो चार होगा ही होगा। अब बात ही आ जाती है क्योंकि यहां इस संख्या में चार दो बार है, अंतर पूछा है 0.543। अगर इसका देखें जातिमान तो चार होगा और इसका भी चार होगा जातिमान, दोनों के चार चार होंगे, और पूछा था जातिमानों का अंतर क्या होगा, तो 4 − 4 कितना हो जाएगा अंतर 0। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 45 क्वेश्चन, 45वां में आपको दिया गया है 15 × 3 में 4 तथा 5 के जातिमान का योग और अंतर क्या होगा। दोस्तों यहां पर एक बहुत अच्छी बात आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर जो हम आपको बताएंगे वो हर जगह नहीं मिलेगा। यहां पर अगर हम देखें कि 15 × 3 को लिखेंगे तो 15 दिया 45, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि 45 ऐसे लिखा जाएगा। अब इसमें देखना है 4 और 5 का जातिमान क्या होगा, तो 4 का जातिमान 4 ही होगा और 5 का जातिमान 5 होगा। और आगे की बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या यहां पर पहला क्वेश्चन पूछा था योग, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं योग में, लेकिन अंतर देखेंगे हम कैसे निकालते हैं। योग अगर देखें तो 4 और 5 कितना होगा 9, ठीक है। अब बात करेंगे अंतर, अंतर का मतलब होता है गैप, ठीक है। जैसे 5 और 3 इनमें अंतर कितने का है 2 का, चाहे 3 और 5 में पूछो अंतर कितने का है 2 का। जब अंतर पूछा जाएगा तो आपका नेगेटिव में नहीं आएगा अंतर, यानी गैप पॉजिटिव में आएगा। और यहां पर अगर देखा जाए तो क्या पूछा है अंतर, तो अंतर 5 − 4 करेंगे तो कितना आएगा 1, तो ये 9, 1, तो इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट, आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5643 में इकाई अंक क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप जानते होंगे इकाई अंक क्या होता है, अंतिम अंक। तो इसमें अंतिम अंक कितना है 3, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 3, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आप समझ गए बी 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
36 गुणा 69 में इकाई अंक क्या होगा? मौके क्वेश्चन होते हैं, इकाई अंक में कुछ नहीं करना है हमें। देखिए इकाई अंक के लिए क्या करना है, जो भी गुणा में संख्याएं दी हैं उनके इकाई अंक को आपस में गुणा करना है। इसका इकाई अंक 6 और इसका इकाई अंक 9, आपस में गुणा करेंगे 6 × 54। अब जो 54 आया इसमें इकाई अंक देखना है कितना आएगा, जिस जितना इसमें इकाई अंक आएगा, इकाई अंकों से जितना इकाई अंक मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक होगा ऑप्शन डी 4। कैसे, अगर आप 36 में गुणा करेंगे कितने का, 69 का, तो आप कैसे करेंगे, 9 × 6 = 54, और इधर कुछ मान आएगा वो लिखेंगे, फिर यहाँ के लिए लिखेंगे क्रॉस, फिर यहाँ पर मान लिखेंगे जो भी आएगा 6 का गुणा करके, फिर नीचे क्या लिखेंगे 4। तो देखो क्या हुआ, तो इकाई अंक सिर्फ इकाई अंकों से ही डिसाइड होगा, इसलिए 6 × 54 में इकाई अंक 4 हो जाएगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आइए 48 में क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में इकाई अंकों का गुणा करना है आपको आपस में, बस सिंपल सा है क्वेश्चन, आप कर सकते हैं आसानी से इस क्वेश्चन को। देखिए 6 × 54, अब 54 में कितना आया 4, इस 4 का गुणा करना है आगे 1 में, 4 × 1 = 4, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 49, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल इकाई अंक है। क्यों, क्योंकि इस संख्या को घटा के आपको निकाल देना है, तो सिर्फ इकाई अंक से ही घटाएंगे, 5 में से 8 घटाएंगे। अब ऐसा नहीं कि 8 बढ़ा तो 8 में से नहीं, यहां से हासिल ले लो, यहां हो गया 15, और 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं 15 में से 8 घटाएंगे, क्योंकि यहां पर आप अगर ऐसे करते 7 × 5 − 3 = 5 = 8 ऐसे घटाते तो कैसे घटाते, 15 में से 8 गया 7, ऐसे तो करते तो कैसे आता आंसर, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 50वें क्वेश्चन की बात करते हैं आज का। 264 + 264, अब सिंपल सा है, अब इसको तो आप जोड़ना है, और इकाई अंक को आपस में इकाई अंक में जोड़ देंगे। इकाई अंक इसका कितना है, पहले का 4 और दूसरे का कितना है 4, और दोनों को जोड़ेंगे 4 और 4, आपका इकाई अंक आ जाएगा 8। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 51 में ये संख्या दी गई है, मैं इकाई अंक क्या होगा, सिंपल है, पूरी संख्या नहीं जोड़नी है, क्या क्या जोड़ने हैं, इस 9 को इस 9 में जोड़ो, कितना हुआ 9 और 9 = 18। अब 18 में इकाई अंक 8, 8 को फिर इस 9 में जोड़ो, 9 और 8 = 17, तो इकाई अंक कितना आया 7। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, देखो 9 4 7 2, तो इसका राइट आंसर क्या है 7। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 52वें क्वेश्चन में देखिए गुणा किया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप एक से लेकर के कितनी भी संख्याओं का गुणा करेंगे, कम से कम 5 तक गुणा कर दो, और आपका इकाई अंक 0 आएगा। कैसे, देखिए 81 में क्या है, 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 ही आएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा, 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 आएगा, अब 24 का गुणा 5 में करेंगे तो 24 में गुणा 5 करना ही करेंगे। देखिए इकाई अंकों का गुणा करना है हमें आपस में, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ऐसे तो आएंगे उसका गुणा इकाई अंक 6 × ……, ऐसे 89 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर हम गुणा करें 1 का 2 में 2, 2 × 3 = 6, अब 6 × 24 = 24 में कितना आया 4, फिर 4 × 5 = 20 में कितना आया 0, अब 0 का गुणा किसी में करेंगे तो कितना आया आंसर 0। तो एक बार आपका सम संख्या आ जाए और दूसरा इसमें गुणा कहीं 5 आ जाए, इकाई अंक में, इकाई अंक में सम हो या इकाई अंक में 5 हो, तो उसका हमेशा इकाई अंक 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है 0। ये हम इकाई अंक जब पढ़ेंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे कैसे होता है, ठीक है, अभी बस आप समझ लीजिएगा, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। 53वां क्वेश्चन, इसमें देखिए 264 में 102 का गुणा करना है प्लस 264 में 103 का गुणा करना है और फिर आंसर बताना है, तो ऐसे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप आंसर राइट बता सकते हैं क्या होगा। तो देखिए 264 में गुणा पहले ये देखेंगे 102 का करेंगे प्लस 264 में गुणा 103 का, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इकाई अंक का इकाई अंक में गुणा करो, 4 × 2 = 8, इसका इकाई अंक क्या होगा 8, कोई भी संख्या रही होगी आगे लेकिन इकाई अंक में क्या आएगा 8। इसी तरह से 3 × 12, इकाई अंक में कितना आएगा 2, बाकी कुछ भी रहा होगा, फिर बाद में क्या करेंगे इकाई अंक आपस में इसमें जोड़ेंगे इकाई अंक में इकाई अंक, और लास्ट में कितना आ जाएगा 0, आगे कुछ और भी आएगा एक्स वाई जेड जो भी आएगा लेकिन इकाई अंक क्या आएगा 0, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 54, अगर समझ में नहीं आता है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने इससे पहले बताया था कि अगर इकाई अंक में 5 आ जाए और इकाई अंक में सम संख्या आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है 0। क्यों, क्योंकि 5 × 7 = 35 करेंगे तो 5 आया, और 5 × 20 करेंगे तो 0 आया, 0 × 9 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा 0। 54 में समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
55वां क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से कराऊंगा, अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप बनाइए, क्योंकि ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये छोटी चीज अगर आपने नहीं पढ़ी और आपकी रह गए क्वेश्चन तो फिर आपको दिक्कत आएगी, इसीलिए मैं छोटी चीजें जो भी है आपको बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ करा दूं जल्दी जल्दी, तो इससे क्या हम बड़ी चीजों पर जल्दी पहुंचे। तो आप इनका कमेंट करके कुछ तो बताइएगा और कमेंट करके आंसर भी करिएगा, कितना समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कैसे लग रहे हैं आप भी बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में पावर है जैसे 2638 की पावर 278 है, इसका इकाई अंक पूछा है और इसका इकाई अंक क्या होगा 4, कैसे होगा इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो जब भी इकाई अंक पूछा जाए और पावर वाला हो तो पावर में लास्ट के दो अंक होंगे, इनमें 4 का भाग दे दो लास्ट के दो अंकों में, और 4 का भाग देने पर जो पावर शेष बच जाए, जितना शेष बचे, जैसे 4 का भाग 7 में देंगे, 4 एक 4 बचेगा 3, 38 हो गया, 4 ने 36, कितना बचा शेष 2, इस 2 को सीधा 8 की पावर लगा दो, इकाई अंक की पावर लगा दो शेष फल को और इसका कर दो वर्ग, 8 की पावर 2, 8 का स्क्वायर 64 और इकाई अंक कितना आ जाएगा इसमें 4, तो इसका राइट आंसर बी था। आगे और भी देखेंगे हम, देखिए अगला क्वेश्चन आया आपका 56वां, 36 की पावर 5 गुणा 65 की पावर 9 गुणा 7 की पावर 71। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आ जाएं तो सबसे आसान क्वेश्चन है ये, क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया था, गुणा में अगर आपकी संख्याएं हैं, चाहे वन में पावर हो चाहे ना हो, गुणा में संख्याएं हैं और इकाई अंक में सम संख्या आ गई और 5 आ गया, तो इसे सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया आपने समझ गए होंगे, 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57वें क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हमने आपको एक चीज और बतानी है, जब हम पढ़ेंगे इकाई अंक तब अच्छे से ये चीज बताएंगे कि एक अगर इकाई अंक में एक है तो उसकी पावर कितनी भी कर दो इकाई अंक एक ही रहता है, इसके ऑप्शन ये है आपके सामने, आप आंसर बता सकते हैं बिना सॉल्यूशन देखे, उसके बाद अगर आपका आंसर मैच कर लीजिएगा तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक में एक है 171 में, तो इसका इकाई अंक हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है, पूरी संख्या का। फिर 34 हमने क्या बताया था अभी लास्ट में, जो 78 चार दो अंकों में 4 का भाग देना है, जो शेष बचेगा, यहाँ शेष बचेगा 2, अभी हमने 78 देखा था, 4 एकन 4 और 4 ने 36 37 38 78 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल 2 आता है, तो इस शेषफल को इसकी पावर लगानी है किसकी, इसके इकाई अंक की, तो इसका इकाई अंक कितना है 34 में 4, तो 4 की पावर 2 प्लस, अब इसी तरह से 2 पे पावर लगानी है, कितनी लगानी है, तो लास्ट के दो अंक 57 में 4 का भाग देंगे, 4 एकन 4 बचा 1, 17 हो गया, 4 चौक 16 बचा 1, तो इसकी पावर हो गई 1। अब इनको जोड़ेंगे 1 प्लस 4 का पावर 4 चौक 16 और प्लस 2, ठीक है, तो 6 और 2 8 और 1 कितना हो गया 9, टोटल में कितना आया 9, इकाई अंक अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल 19 हो गया, लेकिन 9 लिख लो या 19 लिख लो, इकाई अंक की तो चाहिए, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 9, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, देखिए ऑप्शन बी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 और देखते हैं, अभी देखिए यहां पर क्या है, पावर 4, और जब पावर 4 होती है तो आपको वो गुणा करना ही है, ठीक है, तो 9 में 9 का गुणा 4 बार करना है, 9 गुणा 9 गुणा 9, क्योंकि इकाई अंक में क्या है 9 प्लस, सॉरी गुणा में फिर से कितना, अब इसकी पावर 4 करेंगे तो ये भी कट जाएगा 4 दूनी 8 पूरा पूरा, और जब भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखना है, और यहां भी आपका भाग पूरा चला जाएगा तो यहां पर गुणा 5 लिखना है। अब देखो यहां पर जैसे ही 5 दिखा हमें, हमें एक चीज समझ में आ गई, क्या, कि यहां पर एक सम संख्या भी और 5 भी है, तो इसका सीधा आंसर हमें मिल जाएगा क्या, 0, जब हमारे इकाई अंक में 5 आ जाए और इकाई अंक में सम संख्या आ जाए तो इसका ऑप्शन में इकाई अंक 0 ही होगा, आंसर ए हो जाएगा, सॉरी ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, 0 आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 59वां, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ 194 है पहले ऑप्शन देख लेते हैं, और 134 है, 134 में इकाई अंक 4, अब 4 की पावर कितनी रहेगी, तो हम 94 में भाग देंगे 4 का, 94 है ना पावर, इसमें 4 का भाग देंगे और शेषफल देंगे कितना आ रहा है, तो 4 दूनी 8 बचा 1, 14 हो गया, 4 3 12 बचा शेषफल 2, तो 4 की पावर 2 लगा दी प्लस, अब यहां पर फिर से 4 है 234 में, तो इसकी पावर कितनी आएगी 95 है, और अब 95 में 4 का भाग देंगे, तो अभी देखो 94 में दिया था 2 शेष बचा था, 95 में देंगे तो 3 शेष बचेगा, देखो 4 दूनी 8 बचा 1 15 हो गया, और 4 3 12 कितना बचा 3, तो 4 3 12 और 3 15, तो पावर आ जाएगी 3, अब देखो 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 चौक 64, अब इन दोनों को जोड़ो इकाई अंकों को, 6 और 4 10 कितना आ गया 0, तो इसका भी इकाई अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, देखिए ऑप्शन में राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन 60वां,
अब इसमें क्या करना है आपको, वही चीजें, सबसे पहले आपको गुणा कर लेना है, ठीक है, गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तीन का इस तीन का कितने करेंगे, इस सात में, तो सात दिया 21, तो इकाई अंक क्या आया, एक। आगे कुछ और संख्याएं होंगी प्लस, कोई बात नहीं है छोड़ो, पांच दिया 15, तो यहां पर पांच आएगा, आगे कुछ और संख्याएं होंगी। अब इकाई अंक में इकाई अंक की तो जोड़ते हैं हम, तो पांच और एक कितना होगा, छह। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, छह। वैसे एक सीरीज का 61वां क्वेश्चन है, फैक्टोरियल सात में इकाई अंक क्या है। तो आपको बता दूं, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जितना फैक्टोरियल है उसे घटते हुए क्रम में एक तक गुणा करना है, जैसे सात गुणा छः गुणा पाँच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक। और इकाई अंक में हमने आपको बताया था कि अगर पाँच और सम संख्या आपको मिल जाए तो उसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा जीरो होगा, यानी इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, जीरो। दोस्तों आपको बता दूं, फैक्टोरियल पाँच यानी कह सकते हैं हम फैक्टोरियल चार, फैक्टोरियल चार से ऊपर के सभी फैक्टोरियल का इकाई अंक शून्य होगा। क्यों? क्योंकि चार से ऊपर पाँच आएगा और सम संख्या होनी जरूरी है, लेकिन फैक्टोरियल चार से नीचे होगा तो उसका जो इकाई अंक है उसे हमें गुणा करके निकालना पड़ेगा, चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, तो चार तिया बारह दूनी चौबीस, चार आ जाएगा इसका, चौबीस का। इसी तरह से फैक्टोरियल तीन का निकालेंगे, तीन गुणा दो तो इसका जाएगा छः, और फैक्टोरियल दो का निकालेंगे तो दो गुणा एक दो ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाँच या पाँच से ज़्यादा के फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा शून्य होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, इसमें फैक्टोरियल चार है, तो अभी हमने बताया था फैक्टोरियल चार होगा तो हमें अभी निकाला था फैक्टोरियल चार को कैसे लिखेंगे, चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, चार तिया बारह दूनी चौबीस, चौबीस का इकाई अंक चार, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आप आंसर करिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और देखिएगा आप कितना बना सकते हैं, 63 में। अब यहाँ पर दो फैक्टोरियल का गुणा है आपस में, तो हमें दोनों फैक्टोरियल का इकाई अंक निकाल के फिर इकाई अंकों का आपस में गुणा करके निकालना है। ऑप्शन हमारे पास चार हैं ये, और इन ऑप्शन में से आप बताना है कौन सा होगा। तो फैक्टोरियल चार को हम क्या लिखेंगे, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तो चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक गुणा, आप यही कर सकते हैं इसको, तीन गुणा फैक्टोरियल तीन का दो गुणा एक। अब इनका इकाई अंक निकालना है, तो हमने बताया था गुणा करते जाओ और जो इकाई अंक बने, दो दो अंकों में जब संख्या आपकी चली जाए तो उसका इकाई अंक अगली संख्या में गुणा कर दो, जैसे चार तिया बारह, बारह का इकाई अंक दो, अब बारह का इकाई अंक दो है तो दो का गुणा अगले उसमें कर दो, दो दूनी चार, फिर चार एक अंक चार, फिर चार तिया बारह, बारह का दो, फिर दो का गुणा दो में कर दो, दो दूनी चार, तो इसका इकाई अंक फिर से क्या जाएगा आपका, चार, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 64। अब यहाँ पर योग है तो फैक्टोरियल एक का मान एक ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आपको पहले ऑप्शन दे देते हैं आप आंसर बताइएगा, और फैक्टोरियल एक का मान तो एक ही रहेगा, प्लस फैक्टोरियल तीन का मान निकालेंगे, तीन गुणा दो गुणा एक करके, तो ये कितना हो जाएगा, एक तो यही है, प्लस पहले हम पूरा आंसर निकालेंगे तब इकाई अंक मिलेगा प्लस में, तो तीन दूनी छः एक छः, छः और एक कितना हो गया सात, तो इसका मान ही सात है और इसका इकाई अंक भी सात ही होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, इसमें लिखा हुआ है फैक्टोरियल पाँच और माइनस फैक्टोरियल तीन, इसमें इकाई अंक पूछा हुआ, तो फैक्टोरियल पाँच का मान निकालो और उसमें से फैक्टोरियल तीन का मान घटाना है, तो फैक्टोरियल पाँच का मान निकालेंगे हम किस तरह से, देखिए पाँच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, वैसे इतना निकालने जो तो नहीं है लेकिन आप हम सिखा देते हैं, फैक्टोरियल तीन का मान तीन गुणा दो गुणा एक, अब देखिए पाँच चौक बीस, तीस साठ दूनी 120 आया, माइनस तीन दूनी छः, अगर 120 में से छः घटा देंगे तो 114, और 114 में इकाई अंक क्या आएगा, चार। आप ऐसे निकालेंगे या फिर आप ये देख लो कि फैक्टोरियल पाँच या उससे ऊपर क्या आता है इकाई अंक, जीरो आता है, माइनस इसमें से करना है फैक्टोरियल तीन में छः, और जीरो का मतलब होता है यहाँ कोई अंक रहा होगा, नौ रहा हो सात रहा हो तीन, यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ दस हो जाएगा, दस से छः जाएगा तो कितना बचता है यहाँ पे, चार, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66, इसमें लिखा हुआ है एन कोई एक संख्या है जो छः से विभाजित है, ठीक है, कोई भी छः से भाग पूरा पूरा चला जाता है ऐसी संख्या है, तो शेषफल चार प्राप्त होता है, अगर हम भाग करते हैं तो पूरा पूरा नहीं जाता, सॉरी इसमें शेषफल चार बचता है यदि उसी संख्या के दो गुने को, टू एन मतलब दो गुना, एन का दो गुना है देखिए टू एन,
अगर हम 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा? तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो शेषफल है 4, तो अगली संख्या अगर गुणा करेंगे 2 का या वर्ग करेंगे तो वो शेषफल का सीधा हो जाएगा। जैसे संख्या दोगुनी हुई है तो शेषफल भी आपका पहले 4 था तो 2 गुना बचेगा, तो शेषफल कितना होगा 8। लेकिन हम भाग किससे दे रहे थे? 6 से, तो 8 जो शेषफल है वो बड़ा है 6 से, तो 6 से फिर भाग दे देंगे 8 को अगर बढ़ाया तो 6 × 6 बचेगा 2 शेष। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, किसी संख्या x को 289 से विभाजित करने पर शेषफल 18 आता है। इसी तरह सा क्वेश्चन है, देखिए अब थोड़ा सा अंतर है। किसी संख्या थी कोई x, इसमें अगर हम 289 से भाग करें तो जो शेषफल है वो कितना आता है 18। फिर ये जो कहता है कि अगर उसी संख्या को 17 से विभाजित करें, तो देखिए जो 289 काट रहा था जितना मान उतना 17 तो काटेगा ही काटेगा, तो फिर हमारा जो 18 है वो 17 से और कटेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 18 है वो छोटा था 289 से, लेकिन अगर हम 17 से काटेंगे तो ये 17 से कटेगा, छोटा बड़ा है इसलिए। तो 17 × 17 कितना बचेगा शेष 1। तो शेषफल को, जो शेषफल होता है उसी को दोबारा में जिससे भाग दिलवाता उससे काट दो, और उसके बाद शेषफल 22 आता है और 22 का मान पूछा है तो शेषफल 1 आता है, ये 22 का मान हो गया, तो 22 का मान कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 68वां। चलिए ये ऑप्शन रहे आपके सामने। इसमें कहा इसने 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच में जो कि संख्या 85 है। देखिए बॉय और गर्ल है, ठीक है, और दोनों को मिलाकर के कुल कितने हैं, इधर ले लेते हैं 85। फिर उसने ये कहा कि प्रत्येक लड़के को 4 आम और प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अगर हम ऑप्शन में मान लें कि यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछी है तो टोटल में कितने हैं 85। ऑप्शन चेकिंग से भी हम कर सकते हैं, अगर हम 40 लड़के ले लें, कितने 40 लड़के, तो बच कितने गए, क्योंकि टोटल 85 है तो 45 लड़कियां बच गई। फिर प्रत्येक लड़के को 4 आम मिल देंगे अगर इसको, और प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलेंगे, तो अगर हम गुणा करेंगे इनका तो आमों की संख्या पहली बात तो विषम आएगी, 5 इकाई अंक में आएगा, जबकि आम की संख्या क्या है 380। देखिए करके देखिए, 4 × 16 = 160 प्लस 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 22, 225। अब ये कितना हो गया देखो, 5, 6 × 2 = 8 हो गया, नहीं हो गया, और 2 × 1 = 3, 385, जबकि आम कुल कितने थे 380। इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। हमें क्या करना है, लड़कों की संख्या अब 45 लेनी है। अगर लड़कों की संख्या हमने बॉय ले लिए 45, तो गर्ल होंगी फिर अपनी 40। बॉय को कितने मिलते हैं 4 आम, गर्ल को कितने मिलते हैं 5 आम। अब इसे फॉल करो, 5 × 20 ये 200 हो गया, 45 × 90 दोनों 180 हो गया ये, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो गया 380 के। इसका मतलब ऑप्शन से अब आप सीधा कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को, तो इसका राइट आंसर होगा 45। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और तो बीच वाली संख्या पूछिए, जब लगातार प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत मतलब लगातार दी जाए, तो आपको जो मान दिया है और जितनी संख्याएं दी गई है उतने पूरे से भाग कर दो। तो 3 से जब आप भाग करोगे तो आपको नजदीक की वही संख्या बीच वाली मिल जाएगी, बीच की, तो 3 × 2 = 6, 3 × 27, तो बीच की संख्या कितनी होगी 29, तो सीधा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान होता है ये क्वेश्चन, और अगर इसके आगे वाली पूछी थी सबसे बड़ी तो वो 30 होगी, और इससे पहले की होगी 28 तो सबसे छोटी होगी, और टोटल हो गया देख लो सब मिला के कितना 87। चलिए इसका राइट आंसर 29। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। एक कार्यालय में 108 मेज हैं। बहुत ही रीजनिंग का क्वेश्चन है, और मेज जो टेबल है वो कितनी है 108, और जो चेयर हैं वो हैं आपकी 132, लिख लिए। उनमें यदि 18 मेज और 8 कुर्सियां टूट जाएं, 18 मेज टूट गई तो बची कितनी, टेबल अगर 18 टूट गई तो कितना बचेगा 19, और 8 कुर्सियां टूट जाएं तो 8 हमारी अगर अब कम हुई तो कितनी बचेंगी 124। तो वो कहता है ये, और प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता हो तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं। कार्य करने के लिए जरूरी है कि एक मेज और एक टेबल हो, तो हमारे पास टेबल 90 है और चेयर भी 90 मिल जाएंगे यहाँ से कम कितने 90 लोग हम कार्य करा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके बदलने पर संख्या जो हो का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। जैसे देखिए एक संख्या होती है 32 और
उसको बदल देंगे तो कितनी बचेगी, 23। अब इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 3 का कितना बचा, 9। यानी कि ये संख्या 9 से कटने वाली होगी। कैसे भी करने, आप 73 ले लो और 37 ले लो, 13 में 7 गया 6, और यहां रह गया 4 में से 3 गया, 4 में से जब आप 3 कटाएंगे तो 1 बचेगा, सॉरी 3 बचेंगे, 7 में से 3 गया तो 4 बचेंगे, और लेकिन एक हाथ से ले लेते तो यहाँ पे 3 बचेंगे, ठीक है 36 बचेगा। अब देखो 36 भी कितने से कर रहा है, 9 से। यानी कि वो संख्या, देखिए इसमें क्वेश्चन दो बनते हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है कि अंकों को जोड़ा जाता है, अंतर ना योग किया जाता है, और एक अंतर किया जाता है, तो जो एक आता है आंसर 11 और दूसरा आता है 9। बड़ा कौन सा है, 11। यानी जब दो अंकों की संख्या को बदलकर उनको जोड़ा जाएगा तो वो हमेशा बड़ा होगा, यानी 11 से कटेगा, और अगर घटाया जाएगा दोनों अंकों को उस बदल करके तो वो हमेशा 9 से कटेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 तथा 200 के बीच आपकी 6 तथा 9, यानी 9 और 6 दोनों से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो सीधी सी बात है दोनों से कटने वाली वो संख्याएं होंगी, एलसीएम लेना पड़ेगा पहले आपको कि इनका 9 और 6 का कितना हो जाएगा, ये मौखिक है, इसका एलसीएम 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 वो संख्या है छोटी छोटी जो इन दोनों से कट जाएगी। अब 18 से कटने वाली संख्याएं देखनी है, पहले ये देखो 1 से 100 तक कितनी है, फिर 1 से 200 तक कितनी है 18 से कटने वाली। तो 18 से अगर हम काटेंगे, 18 पंजे 90, 18 चिक्का 108 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 संख्या 100 से 100 तक 5 संख्याएं हैं जो इन दोनों से कट रही हैं। लेकिन अगर हम 20 तक देखें, 200 तक देखें, 18 से कटने वाली, तो 18 एक दूनी 18 एक 18, 18 एक 18, 20 11 बार कटेगा, यानी 11 संख्याएं मिलेंगी आपकी 200 तक जो 18 से कट रही हैं। लेकिन हमें 100 से 200 के बीच में चाहिए थी, तो 1 से लेकर के 100 तक वाली जो हटा देंगे, 11 में से 5 संख्याएं कम कर देंगे, तो बचेंगी आपकी कितनी, 6। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका 6, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए आपका मान कितना है, 6709। अब ये 9 से अगर आपको काटनी है तो इनके अंकों का योग जोड़ने पर आपका जो अंक है वो बने वो पूरा कितना होना चाहिए, 9 से कटने वाला। तो देखिए अगर हम यहां पर देखें तो ये कितना है, 7 और 6, ये तो 13 रहेगा ही रहेगा प्लस। अब इन दोनों अंक इसमें हम जोड़ेंगे, मान लो 7 जोड़ा तो 9 और 7 कितना हुआ, 16। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अगर 7 जोड़े तो 16 हो जाएगा। यानी अगर हम 6 और 1 7 जोड़ेंगे तो 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20। अगर हम संख्या बनाएं कितना जोड़ करके, 7 जोड़ करके, तो बनेगी 67 16। अब इसके अंकों का योग करेंगे तो 6 और 7 13 प्लस 6 और 1 7, ये अंक जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 20। यानी 20 9 से नहीं घट रहा है तो 7 गलत है। अगला 2 जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितना हो गया, 11, तो 67 11 हो गया। अब अंकों का योग करो, 7 और 6 13 14 15, 9 से कटेगा ही नहीं 15, इसका मतलब ये भी नहीं होगा 2 वाला। अब 5 और जोड़ देते हैं तो 9 और 5 14 हो गया, तो ये हो जाएगा 67 14। जब आप 67 09 में जोड़ेंगे तो 67 6709 में 5 जोड़ेंगे तो 6714 हो जाएगा। अब 7 और 6 13 और 1 14 और 4 18, अब ये हो गया आपका देखो 18, अब 9 से कट जाएगा। इसका मतलब आपका 9 से कब कटेगा, जब इस संख्या में हम कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें। चलिए इसका आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, 74 क्वेश्चन है, किसी दो अंकों की संख्या में इकाई अंक और दहाई अंक के अंकों से 2 अधिक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए ना, तथा संख्या इसके अंकों के योगफल का गुणनफल कितना है, 144। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 2 गुना है। अब देखो पहले अगर हम ऑप्शन देखें तो 2 अधिक है, तो ये देखो 4 अधिक है पहला ऑप्शन, इकाई अंक जो है वो उसके दहाई अंक से कितना अधिक है, 4। ये 2 अधिक है, ये 2 अधिक है। अब इनमें क्या लगाना हमें, उसने के बाद, देखिए ये वाला गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इकाई अंक जो है वो दहाई अंक से 2 गुना है और यहाँ दहाई का अंक इकाई अंक से 2 गुना है। अब 2 ऑप्शन रह गए हमारे पास, बहुत आसान हो गया। अब हमें करना क्या है, उसने ये कहा कि संख्या तथा इसके अंकों के योगफल का गुणनफल 144 है, तो संख्या अगर हम ये बी 24 ले लें, कितनी है संख्या 24, और इसके अंकों का कितना, अंकों के योगफल, अंकों का योगफल 4 और 2 6, और इनका गुणनफल कितना होना चाहिए 144। अगर हो गया तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बी वाला, तो 6 चौक 24, 6 चौक
24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14 यानी हो गया। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या है, बी। समझ गए होंगे, ऑप्शन चेकिंग से कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। क्वेश्चन नंबर 75 में आप देख रहे होंगे कोई एक बांस है, उसका पॉइंट चारवा भाग और पॉइंट 49, दो अंक है यहाँ पे, पॉइंट 49 और पॉइंट चारवा भाग जो है वो उसका क्रम से मिट्टी और पानी में है, और शेष लंबाई उसकी इतनी है, तो उस बांस की कुल लंबाई क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो पानी के ऊपर की शेष लंबाई वो कितनी बचेगी, और मिट्टी में और उसके नीचे का पानी पानी में भाग है वो कितना है टोटल। तो अगर हम देखें 0.4 प्लस 0.49 और ये हो जाएगा आपका टोटल 0.89। 1 में से पूरा इतना अगर हम घटा देंगे तो ये बचेगा 0.11। ठीक है, और 0.11 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2.75। हमें एक की वैल्यू निकालनी है क्योंकि बांस की कुल लंबाई क्या होती है, एक। तो एक की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो एक बराबर कर देंगे 2.75 अपॉन में 0.11। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, और 11 से अगर हम इसको काटेंगे 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका होगा ऑप्शन सी 25 मीटर। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। कैसे करेंगे इसमें पूछा जाता है कि ये संख्या जो आएगी इसको सॉल्व करने पर वो किससे विभाजित होगी। तो इसका मतलब इसमें सबसे पहला काम ये होगा आपका कि जो पावर है, जितनी भी पावर है शुरुआत में उसे कॉमन ले लेंगे। तो 4 की पावर जो सबसे छोटी होती है उसको 61 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस में अगर हम एक पावर चली गई यानी 61 पावर चली गई, तो एक पावर रह गई 4 की, अगला 4 की पावर 2 रह गई, अगला 4 की पावर 3 रह गई, क्योंकि हमारा कितना था, 1 कॉमन लिया, तो 4 की पावर 3 रह गई। और अगर अब इसको हम सॉल्व करें तो 1 प्लस 4 चौक 16, सॉरी 4 ही होगा, अगला 4 की पावर 2 16 और 4 की पावर 3 64, 4 चौक 16 चौक 64, और इन सब का हम करेंगे योग, 64 और 6 70 10 80 और 5 85 हो गया। तो कुल योग क्या होगा इसका, 85, और गुणा में हमने कॉमन क्या ले रखा था, आप देख रहे होंगे पहले 4 की पावर 61। इसका मतलब हमारे पास 4 भी कॉमन में है, यानी 2 का गुणा करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 17 से भी कट जाएगी ये संख्या, 5 से भी कट जाएगी, 17 पंजे 85 है, और यहाँ 4 कई बार है तो 4 2, यानी हमारे पास जो ऑप्शन है 5 दूनी 10, तो ऑप्शन सी हमारे पास है, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 17 और 5 वगैरह हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 77वां। 25 की पावर 12, 10 की पावर 7 और 14 की पावर 7 के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन ये रहे आपके सामने, तो अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए हमें पहले 25 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 5 को 5 की पावर 2 को 25 करते हैं हम, तो 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर कितनी है आपकी, देख रहे होंगे आप 12। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद फिर से दूसरा अगला देखेंगे, 10 की पावर 7 है तो 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5। ठीक है, और इसकी पावर लिखेंगे कितनी है, जितनी भी है 7। ठीक है, और उसके बाद लास्ट रह जाएगा 14, तो उसको लिखेंगे 2 गुणा 7 और इसकी पावर कितनी है, वो पूरी लिख देंगे हम अपनी 7। ठीक है, अब देखो अगर 5 की पावर देखें तो 12 दूनी 24, तो 5 की पावर 24 हो गई, ये देखो भाज्य संख्या है 5, गुणनखंड हो गए, गुणा 2 की पावर 7 यहां से आ जाएगा, गुणा 5 की पावर 7 भी आ जाएगा। ठीक है, गुणा यहां पर 2 की पावर 7 आ जाएगा और 7 की पावर 7 भी आ जाएगा। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड जोड़ने के लिए हमें सभी पावरों को जोड़ लेना है, क्योंकि सारी देखो 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य, 2 भी है और 7 भी है, ये सारी कैसी हैं, अभाज्य हैं। तो 24 और 7 31 और 7 38 और 7 8 7 15, यानी 45 और 7 आपका हो जाएगा 52, यानी यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा आपका वो कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 52 हो जाएगी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में देखते हैं। 99/500 का निम्नतम मान क्या होगा, तो इसी तो बहुत आसान है, आप 99 लिखो और उसमें 5 का भाग दे दो, क्योंकि 100 का भाग हम बाद में दे देंगे। ठीक है, तो पहले 5 का भाग देते हैं, तो 5
एक पांच बच गया, 4 49 हो गए, 5 ने 45 और बचा एक, 5 ने 45 बचे 4, 5 8 40, ये हो गया आपका मान। अब इसमें भाग हमें देना है, लेकिन हमारा ये 0.8 आएगा लास्ट वाला, क्योंकि पॉइंट बचेगा एक, और यहाँ पर भाग देना है आपका 100 का। तो जब हम 100 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा पॉइंट में 198, ठीक है, बन गया। अब ये किसके पास निकटतम मान पूछा है, क्या है, तो ये 0.2 के निकटतम है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 79, 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित होगा। तो आप जानते हैं जब हम 1 से लेकर के कहीं तक की संख्याओं का योग करते हैं तो फार्मूला लगाते हैं एन एन प्लस वन अपॉन में टू, ठीक है। तो इस फार्मूले से अगर हम देखें कहां तक की है, 60 तक की, तो एन का मान 60 हो गया, तो 60 × n+1, 60 और 1 61/2। अब ये हमारा बन गया 30 × 61, और ये 61 से तो कट ही जाएगा, तो ऑप्शन में क्या है, 61 है, 60 60 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ 30 रह गया, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन 80। 89 61 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें ताकि ये 18 से पूर्व विभाजित हो जाए। अब देखिए 18 से काटनी है तो इसका सीधी सी बात है, लास्ट का जो अंक है इसे हमें सम बनाना पड़ेगा, और सीधी सी बात है कि हम अगर हम विषम में सम जोड़ेंगे तो वो संख्या विषम ही रहेगी, तो ये 4 तो होगा नहीं ऑप्शन में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से ही करते हैं। अब रह गया 1 7 और 3, तो चलो इनको जोड़ने पर लास्ट का अंक तो सम बन जाएगा, लेकिन 18 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 से काटने के लिए सम संख्या हमने देख ली, अब 9 से काटने के लिए किस कौन से को इकाई अंक को जोड़ा जाए जिससे कि इसका मान 9 से कटने वाला हो जाए। तो देखो हमने बताया था ये 9 तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि जो 8 आपके पास जो मेल हुए 8 9 6 1, अब इसमें आप ये देखेंगे कि 9 से 9 तो कट ही जाएगा, अब 8 और 6 14 रह गया, 14, अब इसमें हम कितना जोड़ें, क्योंकि 14 के बाद अगर हम एक और जोड़ लें ये वाला, तो हमारे पास 15 हो गया। अब जोड़ने के लिए हमें 18 करने के लिए, क्योंकि 9 से काटना है तो हमें 18 करना, 9 9 9 9 18, तो यहाँ 3 जोड़ना पड़ेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। संख्या पद्धति में हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा स्कोर आप करें, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, वो काम क्या होगा कि क्वेश्चनों को ऑप्शन से करना सीखें। अब ऑप्शन से कैसे होंगे, कौन से क्वेश्चन ऑप्शन से होंगे, क्वेश्चन ये बन जाता है कि हम कौन से क्वेश्चन को ऑप्शन से देखें। तो पहला चीज, जिस क्वेश्चन में मुख्य संख्या पूछी जाए, मुख्य संख्या क्या है, तो वो क्वेश्चन आप ऑप्शन से उठा सकते हैं, 100% बनेगा, क्योंकि मुख्य संख्या से ही कुछ दिया जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रहे हैं, और ऐसे ही हम कई क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मुख्य संख्या पूछी जाएगी। यानी आप इस क्वेश्चन में भी देख रहे हैं कि लास्ट में उसने पूछा है कि मूल संख्या क्या है, यानी है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर लेना, और हमने मैथ कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे पूरा कोर्स कराएंगे, छोटे क्वेश्चन से लेकर के हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, पहले हम बेस मजबूत करेंगे और उसके बाद हाई क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर, मैथ कंप्लीट कोर्स, अगर वहां जाएंगे आप तो आपको वो मिल जाएंगे, और उसके बाद मैथ प्रैक्टिस सेट, अगर आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो मैथ प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक तरफ आप मैथ में बेसिक सीखेंगे, तरीके सीखेंगे, जैसे इकाई अंक कैसे निकालते हैं तरीके, तो वो मिल जाएंगे आप मैथ कंप्लीट कोर्स में, और आप इकाई अंक निकालने के तरीकों में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा। तो हर टाइप का, जैसे आपको संख्या पद्धति के बाद हम अगर बात मान लो अनुपात समानुपात करते हैं, तो अनुमान समानुपात क्या होता है ये मिलेगा मैथ कंप्लीट कोर्स में, और अनुपात समानुपात के सवाल मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट में। तो दो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है देखना। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए, हम ये समझ लेते हैं कि है क्या, दो अंकों की एक संख्या में, तो दो अंकों की एक संख्या है कोई, देखिए मूल संख्या पूछी है तो ये दो अंकों की है सारी ऑप्शन में, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक के दुगने से एक कम है, जो इकाई का स्थान का अंक है वो दहाई के अंक स्थान के अंक के दोगुने से एक कम है। जैसे अगर हम ऑप्शन देखें तो इकाई का अंक और दहाई का अंक है जो इकाई के अंक के दोगुने से एक कम है, तो 3 का 2 गुना 6 और 1 कम 5, ये ऑप्शन सही है अभी तक, पहली कंडीशन है ये। 4 दूनी 8 1 कम 7, ये भी अभी तक सही है। 9 दूनी 18 1 कम
मतलब ही नहीं बनता, ये ऑप्शन गलत हो गया। तीन दूनी छह, एक कम पांच, दो ऑप्शन हट गए आपकी पहली कंडीशन से। अब रह गए दो ऑप्शन, पहला ए और बी। अब आइए अगली कंडीशन पढ़ते हैं। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि पांच और तीन को पहले तीन लिखा जाए फिर पांच लिखा जाए, पैंतीस ऐसे ही चौहत्तर को पहले चार लिखा जाए फिर सात लिखा जाए, यानी सैतालीस, तो उसने कह दिया बदल दिया जाए, तो नई संख्या जो है वो मूल संख्या के बीच जो अंतर है वो सत्ताईस कम है, जो नई संख्या है और जो मूल संख्या के बीच जो अंतर है, यानी नई संख्या मूल संख्या से 27 कम है, तो मूल संख्या हमने कितनी मानी है 74, और यहां मूल संख्या कितनी मानी ऑप्शन ए में 53, तो ऑप्शन ए को पहले चेक करते हैं क्या अंतर 27 से कम है, तो 13 5 तो जाएगा नहीं, 3 में से 5 जाएगा नहीं, ये 3 है ये 5 है, आप 53 में से 35 कम करेंगे तो 13 में से 5 गया 8 बचा, अब 27 तो ही नहीं सकता, इकाई अंक में 7 चाहिए, तो हम इसे तुरंत छोड़ देंगे आगे नहीं करेंगे। उसके बाद हमने देखा यहाँ 74 था और 74 में से हमें कम करना है 47, क्या हमारा अंतर 27 आएगा, यहाँ से हासिल लेंगे 14, 14 से 7 जाएगा 7 बचेगा, यानी कि 6 6 4 2 बिल्कुल 27 बचा, इसका मतलब हम ऑप्शन से तुरंत क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, वैसे अगर एक्स मान के करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, तो जब मूल संख्या दी गई हो और आपसे पूछा गया हो उसके बारे में तो ऑप्शन उठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं राइट आंसर बी ही है, बिल्कुल सही है, बी आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 में आज का दूसरा क्वेश्चन, 50 को दो भागों में विभाजित करें जिससे कि उसके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो जाए। अब सीधी सी बात है, 50 के दो टुकड़े दिए गए होंगे ऑप्शन में, कौन से हैं वो दो टुकड़े, ये वाले हैं या फिर 50 के ये दोनों टुकड़े हैं या ये हैं, टुकड़े तो सारे 50 के हैं कि नहीं, योग करके देखो, 36 और 4 40 10 50 हो गया, 25 25 50 हो गया, 30 20 50 हो गया, 28 और 22 50 हो गया, तो पहले तो चीज सही है, लेकिन अब ये देखना है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 कहां से आएगा, तो सबसे आसान जो ऑप्शन आपको लगे जैसे कि 25 और 25, तो इसको क्या करेंगे हम, 1/25 + 1/25 व्युत्क्रमों का योग क्या 1/12 आएगा, तो 25 एलसीएम हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये 2/25 हो गया, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, समझ गए। इसमें देखते हैं सी ऑप्शन आसान लग रहा है, जो आसान लगे उन्हें पहले कर लो, 20 1/20 + 1/30 एलसीएम 60 ले लेंगे, 20 + 60 तो 3 × 3 प्लस 30 × 60 तो ये कितना हो गया 5/3 × 2 कितना हुआ 5/60, 5 से काटो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 × 5 × 2 = 10 कितना आ गया 1/12, इसका मतलब क्या है, हमें आपसे आंसर मिल गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए कितना आसान तरीका है नंबर सिस्टम में आपको ऑप्शन सी करना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, उसने कहा है ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मैथ में इसी लिखे थे, मैथ और रीजनिंग एक जैसे होते हैं। इसमें ये कहा है कि यदि स्टार का अर्थ पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना है, जैसे कहीं लिखा है x*y, तो इसका अर्थ हुआ क्या लिखाएंगे, मैं पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना है, पहली संख्या x है इसमें जोड़ना है दूसरी संख्या का 6 गुना y का 6 गुना, ये रिलेशन बना, इस रिलेशन पे हम करेंगे क्वेश्चन को, तो यही इसमें लगाना है कैसे, इसका मान पूछा है तो पहले ये बन गया 1*2, x की जगह 1 और y की जगह 2, तो इसका मान पहले निकाल लेते हैं उसके बाद आगे की बात करेंगे, क्योंकि कोष्टक का मान पहले निकालना है हमें, तो इसका मान निकालेंगे तो पहली संख्या का ऐसा ही रहेगा और दूसरी संख्या में उसका 6 गुना जोड़ना है, 2 × 12 और 1, ये 13 मान हो गया, 2 × 12 इसका और 1 जोड़ेंगे तो 13 हो गया। अब ये 13 मान कोष्ठक का हुआ ना इसका, अब ये हो गया 13*3, अब इसमें फिर लग जाएगा एक बार 13*3 में कैसे लगाएंगे, अब देखो पहला मान ऐसा ही और दूसरे मान में 6 गुना करके जोड़ना है दूसरे मान का, तो 13 + 36 = 18 और अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 31, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, देखते हैं क्या राइट आंसर यही होगा, बिल्कुल सही है 31 होगा, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन आता है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, एक तो बेसिक ट्रिक से और दूसरा अपना बेसिक से, तो पहले ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक से क्या होगा, उसने कहा दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है आपका, कह सकते हैं पूछा है क्या होगा, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, या तो 36 होगा, ऑप्शन वाले तो आंसर होंगे। अब ये देखते हैं कि इनमें आंसर कौन से पॉसिबल हैं, कौन से ऑप्शन एक पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो देखो 36, अगर हम 36 को आधा करें तो कितना हुआ 18 हुआ,
अगर हम इनमें दो का अंतर करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा, अगर एक दो का अंतर करेंगे तो ये 17 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा, 17 और 19 होता 36, लेकिन ये विषम संख्याएं हो गई इसलिए ये गलत हो गया। इसी तरह से अगर हम 40 का करेंगे, 40 का करेंगे तो आधा करो तो 20, पहले आधा कर लो फिर उसके बाद एक इधर कर लो 19 और एक 21, 19 और 21 40 होता है, लेकिन ये क्या संख्याएं कैसी हैं, विषम है, इसका मतलब ये दोनों क्रमांक संख्याएं हैं नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला है क्रम से आने वाली, जैसे 22 के बाद 24, 20 के बाद 22, 18 के बाद 20, ऐसी दो संख्याओं का योग है और ये तो ऐसी दो संख्याओं का योग है ही नहीं है, ये तो विषम संख्याओं का योग है, 36 और 40 दो क्रमांकत विषम संख्याओं का योग है ये। अब 38 को आगे करेंगे तो कितना होगा 19, इसका मतलब 18 और 20 ये तो हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन ये हो सकता है, मतलब कौन सा, इसके 18 और 20 बन जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन 42 है, इसके 20 और 22 कर सकते हैं हम, क्यों, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, एक इधर कम कर दो एक इधर जोड़ दो तो 20 और 22। अब ये देखेंगे उसने कहा इनके वर्गों का अंतर 84 आना चाहिए, अगर हम 18 का वर्ग करते हैं तो 324, 20 का वर्ग करते हैं तो 400, और 400 में से 324 कम करेंगे तो 76 अंतर आएगा, तो अंतर 76 होना ही नहीं चाहिए, 84 होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत हो गया, तो आंसर ऑप्शन डी ही होगा आंसर, लेकिन हम करके देखते हैं 22 का होगा 44, 22 का वर्ग 484 और 20 का वर्ग 400, अंतर कर दो कितना का आ गया 84 का, इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका 22, ऑप्शन डी। इसको बेसिक से कैसे करेंगे, हम मानेंगे कि पहली सम संख्या अगर एक्स है तो दूसरी सम संख्या एक्स प्लस दो होगी, और दोनों के वर्गों का अंतर 84 है, तो अब एक्स प्लस टू का वर्ग करेंगे माइनस एक्स का वर्ग करेंगे और ये 84 के बराबर करना है, हमें एक्स निकालना है तो वर्ग खोलेंगे एक्स स्क्वायर पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग दो का वर्ग चार प्लस दोनों का दो गुना 4x बराबर 84 और माइनस एक्स स्क्वायर था सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब यहां पर रह गया आपका 4 प्लस 4x, 4 इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 4x बराबर 84 माइनस 4 कितना हो जाएगा 80, अगर हम x का मान निकालेंगे तो 4 दूनी 8 20 आ गया, x का मान 20 आ गया, इसका मतलब एक संख्या 20 हो गई और x प्लस 2 एक संख्या ये 22 हो गई, देखो ये दो संख्याएं थी तो 20 और 22 हो गई, दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, समझ गए, ये तरीका था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 85 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बेसिक से ही होगा बहुत आसान होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक व्यक्ति की अपनी आय का 1/3 भोजन पर खर्च कर देता है और अपनी आय का 2/5 मकान के किराए पर और अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर खर्च कर देता है, तो कुल कितना खर्चा कर दिया, पहले ये देख लो 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/5, अब टोटल खर्चा के लिए हम एलसीएम ले ले 15 का, 3 5 15 तो 5 1 5, 5 3 15 होगा तो 5 3 3 2 6 फिर 5 3 15 3 1 3, तो ये कितना हो गया 5 6 11 3 14/15, यानी 15 कुल भाग था उसमें से 14 खर्च हो गया, तो बचा कितना 1, और इस 1 का मान दिया गया है कितना 400 रुपए शेष बचते हैं उसके पास, ये तो उसके पास कितने बचे हैं 400, यानी शेषफल या 1 है और 1 का मान 400 हो गया, हमसे पूछा गया था उसकी आय कितनी है, तो कितनी थी आय 15 में से 14 खत्म कर दिए थे, यानी 15 आय थी 1 का मान 400 तो 15 का मान 15 × 400 15 × 60 तो 20 यानी इसकी आय हो जाएगी आपकी 6000, ऑप्शन ए राइट आंसर है, आप देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं 86 में क्वेश्चन 86, उसने पूछा है 3 और 200 के मध्य 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो क्योंकि 1 से 200 पूछ लेता चाहे 7 3 से पूछ लिया क्योंकि 7 तो आया ही नहीं, तो आप सीधा क्या करें 200 में भाग दे दें 7 का और भाग देकर देखें कितने बार जा रहा है, 7 × 2 = 14 बचा 6, 7 8 56 बचा 4, अब तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब 28 बार पूरा पूरा गया है, इसका मतलब 28 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित होंगी कहां तक 200 तक, 3 से 200 तक, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, किसी संख्या को 96 से जब हमने भाग दिया तो 50 शेषफल आया, क्योंकि 96 बड़ी संख्या है तो 50 शेषफल आ सकता है, लेकिन उसी संख्या को जब हम 16 से भाग करें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ऐसे क्वेश्चन काफी करा चुका हूं मैं, आप देख सकते हैं, तो 96 पहले ये देखेंगे 96 जो 16 से कट रहा है बिल्कुल कट रहा है 16 6 96, तो फिर हम क्या करेंगे इस शेषफल का भाग इस दूसरे पहले जो शेषफल था ना उसमें भाग दे देंगे 16 का, तो 50 में 16 का जब हम भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 50/16 16 3 48 दो शेष बचेगा, तो मुझे यही पूछा था शेषफल कितना प्राप्त होगा 16 से भाग करने पर, तो शेषफल में 16 का डायरेक्ट भाग दे दो जिससे भाग दिलवा रहा है उसके शेषफल में, तो दो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन सी भिन्न सबसे
बड़ी है। बड़ी भिन्न पूछी है, जैसे हमने लिख लेते एक बार आपको समझाने के लिए, 6 सट्टे 7, 5 बट्टे 6, 7 बट्टे 8 और 4 बट्टे 5, इनको कैसे निकालेंगे, भाग नहीं देंगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई से जल्दी हो जाएगा। जैसे अगर हम इसका इसमें गुणा करें तो ये कितना होगा 36, और इसका इसमें करें तो कितना होगा 35, 5 सत्ते 35 36, तो जो मान बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, यानी 7 बट्टे, इन दोनों भिन्नों में 7 बट्टे 6 बट्टे 7 और 5 बट्टे 6 में 36 इसका मान आ रहा है, इसलिए 6 बट्टे 7 बड़ी है। अब ये 6 बट्टे 7 की तुलना इससे करेंगे 7 बट्टे 8 से, क्योंकि हमें बड़ी भिन्न पूछी है सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो छोटों को निकालते जाएंगे। अब 8 का गुणा करेंगे, 8 6 48 इस 6 में, और इस 7 का करेंगे 7 में, 7 सत्ते 49, इसका मतलब अब ये 49 बड़ी होगी, 48 छोटी होगी इससे, तो ये बड़ी है। और अब इसकी तुलना इससे करेंगे हम, इनमें कौन जो बड़ी होगी वो हमारी बड़ी बहन, तो 5 सत्ते 35 और 4 अट्ठे 32, ये तो छोटी है, तो यही सबसे बड़ी भिन्न होगी 7 बट्टे 8, यानी कि इसका ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। इस तरह से आप भिन्नों को छोटा बड़ा निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुना हो तो दोनों संख्याओं का योग होगा। तो इसका सिंपल है, ये हम उसमें भी कराएंगे अनुपात समानुपात में, दो संख्याएं हैं और एक संख्या दूसरी की चौथी है, यानी पहली संख्या जो है दूसरी की 4 गुनी है, तो पहली संख्या 4 होगी और दूसरी 1 होगी, तो 4 गुनी होगी। अगर हम इसको एक्स के रूप में ले तो ये पहली 4x हो जाएगी, दूसरी 1x हो जाएगी। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 2500, यानी 4x गुणा x बराबर कितना है 2500। अगर हम 4 से काटेंगे तो ये 4 फिर 25 बार कट जाएगा, ये 100 होता है, 25 गुणा 100 बराबर 2500, और 4 से 100 काटेंगे तो ये कितना कट जाएगा, अब ये एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 25 गुणा 25, वर्गमूल ले लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 25। x का मान जब 25 आ गया तो पहली संख्या 4x है, दूसरी संख्या x है, तो 25 लगा दो, 4 गुणा 25, 25 चौक 100, पहली संख्या 100 और दूसरी गुणा x का मान 25 ही है, तो पहली 100 और दूसरी 25 और दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, तो 100 और 25 कितना हो जाएगा 125। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 90 में एक संख्या 54 से उतनी ही अधिक है जितनी 82 से कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी ट्रिक एकदम ही आपको सीधा बता देता हूं, ये ट्रिक क्या होती है, दोनों संख्याओं को योग करके आधा कर दो, अभी तरीका भी बताऊंगा, इन दोनों का योग करके आधा कर दो, तो ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 8 5 13, 136 बट्टे में 2 कर दिया, काटेंगे 2 6 12, बचा 1 2 8 16, यानी 68, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब इसको तरीका समझते हैं, बहुत ही अच्छा आसान है, क्योंकि एक संख्या देखो दूसरे से उतनी, एक से बड़ी और दूसरे से बीच, यानी 3 लोग खड़े हो जाएं, देखो ये एक डंडा, ये एक डंडा और ये एक डंडा, तो ये जो बीच में है, जो बीच का है, अब ये इनके बीच का गैप बराबर है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिएगा, हम इस संख्या को मान लेते हैं, वो कोई संख्या मान ली हमने एक्स, कोई मान ली जो संख्या बीच वाली है वो पूछी है, वो मान ली हमने क्या एक्स, बीच की संख्या। अब उसने कहा एक संख्या 54 से उतनी ही अधिक है, यानी 54 से अधिक है जो एक्स है, जो अब ये छोटी वाली से बता रहा है अधिक है, इससे तो अधिक होगी, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसे घटा देंगे, एक्स माइनस 54 छोटी वाली संख्या, और दूसरी वो कह रहा है तथा उतनी ही जो है वो बड़ी 82 से कम है, यहां भी जो अगली संख्या बड़ी वाली उससे उतना ही कम है, तो ये 82 से छोटी है, इसलिए करेंगे 82 माइनस एक्स। अब ये एक्स इधर ले आओ माइनस की और 54 इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस इधर एक्स आ जाएगा, और ये 82 प्लस 54 हो जाएगा, अब ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 2x, और 82 और 54 अभी आपने जोड़े थे 136, एक्स निकालेंगे तो 136 बट्टे में 2 वो भाई आ जाएगा आपका 68। ये है इसका तरीका बेसिक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 91। अब इसमें क्वेश्चन में उसने कहा है कि किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या 80% प्राप्त हो जाती है। देखिए कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, उसका 60% लिया प्लस 40 जोड़ा, अब ये कितनी हो गई आपकी 80% हो गई, नहीं हो गई। अब इसका मतलब अब इसे हम पक्षांतर करें तो 60 माइनस का हो जाएगा 80% माइनस हो जाएगा 60% बराबर कितना है 40, यानी 20% का मान आपका कितना आ गया 40। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो या तो आप क्या करो इधर 5 का गुणा कर दो और इधर भी 5 का, तो 100% 20 बन जाए 100, 100% की वैल्यू आ जाएगी 5 और 20 200, तो वो संख्या अपने आपके क्या आ जाएगी 100% का मान 200, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन, एक संख्या की 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है। चलिए एक संख्या का कोई संख्या आपने मान ली x, अगर ऐसे क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछा है x का तो मान सकते हैं 3/4, एक संख्या का
तीन चौथाई का मतलब गुणा, 2/5 कितना दिया है 204। एक्स का मान पूछा है तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये दो से काट दो, कट गया, नीचे कितना हो गया 10 और ऊपर 3 है तो ऊपर का इससे काट दो, 3 6 18, 3 8 24, अब नीचे कितना है 10, एक्स 5 2 10 बराबर कितना है 68। एक्स निकालेंगे तो 10 का गुणा इधर हो जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा 680। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 680 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। आप क्वेश्चन को पहले करिएगा, आंसर दीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा तो ज्यादा आपको फायदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना, ठीक है, जो संख्या है वो अपने अंकों के योग का 7 गुना है और अंक संख्या को पलटने पर जो है वो है मूल संख्या से 18 कम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। तो सबसे पहला क्वेश्चन, दोनों अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, तो अगर हम इन पहली संख्या के अंकों को, मैंने क्या बताया था वह संख्या पूछी है तो ऑप्शन चेकिंग आप तुरंत करना शुरू कर दो, 4 और 2 6 और इसका 7 गुना है तो 42 बिल्कुल सही है, 4 और 2 6 ये भी है, 7 गुना ये भी 42 है, बिल्कुल सही है, ये 4 और 8 8 और 4 12 12 7 84 ये नहीं हुआ 7 गुना, 6 और 4 10 10 7 70 ये भी नहीं हुआ, यानी इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। उसके बाद उसने ये कहा है कि जो संख्या के अंकों को पलटने पर, ध्यान देना यहां पर दोनों ही आंसर हो जाएंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसने ये कहा है पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, जो आपने 18 कम है, जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या से, इसका मतलब इससे जो संख्या बनेगी वही छोटी होगी 24 और इससे बनेगी वो होगी बड़ी 42। तो इसका जो राइट आंसर आप समझ गए, अगर आप 24 और 42 में से घटाएंगे तो आपको बचेगा -18, कम है ये 24, 42 है जो वो जो 24 है नई संख्या वो मूल संख्या 42 से 18 कम है, इसलिए ऑप्शन ए होगा, जबकि इसमें नई संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा है, अगर ज्यादा वो लिखा होता तो ऑप्शन बी हो जाता, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओ भाई चांस इसका आंसर गलत लगा हुआ है, ध्यान देना इसका ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है, ठीक है, इस भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में से 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होंगे क्योंकि अगर हमने भिन्न में से ही कुछ करना है और भिन्न ज्ञात करवानी है तो इस भिन्न को मान लो, जैसे पहला ऑप्शन, सबसे पहले 1 जोड़ने पर कितना 2/3, अंश और हर में 1 जोड़ेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे इसमें तो ये 4 हो जाएगा 1/2 में, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा और आपको मिलना चाहिए था कितना 2/3, यहां तो मिला ही नहीं 2/3, 4/9 मिल रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, 1 1 जोड़ो 5 और 1 6 हो जाएगा 1/2 में, 8 और 1 9 हो जाएगा, काट दो 2 3 6 और सॉरी 3 2 6 और 3 3 9 2/3 मिल गया, चलो पहला काम बन गया इसमें ऑप्शन में। अब दूसरा, प्रत्येक में से 1 घटाने पर 1/2 मिले, 1 घटा दो 5 में से 1 गया, यहां पर 1 घटाओ 5 में से 1 गया 4, 8 में से 1 गया 7, तो 4/7 मिली जबकि हमें मिलना चाहिए 1/2, यानी ये गलत हो गया ऑप्शन कौन सा, दूसरा भी। अगला तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 3/5, अब 1 1 जोड़ो अंश और हर में और मिलना चाहिए 2/3, तो 3 और 1 4, 5 और 1 6 काट दो, 2 2 4 2 3 6 मिल गया 2/3, अब 1 1 घटा दो 3 में से 1 गया 2, ये 1 1 घटाएंगे 5 में से 1 गया 4, तो 2/4 यानी काटेंगे तो 1/2, तो देखो 2/3 मिली जोड़ने पर, 1/2 मिल गई घटाने पर, इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन से भी आप बहुत जल्दी क्वेश्चनों को कर सकते हैं और समझने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रिक पे है, इसमें कहा गया है कि एक भिन्न के अंश में क्या है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है, तो मूल भिन्न क्या है। तो देखिए हमने कोई एक भिन्न रही होगी, उसके अंश और हर में कुछ वृद्धि करी गई, जैसे 25% की वृद्धि 125 लिख दो और हर में 20% की कमी तो 80 रह गया, और उसके बाद वो भिन्न कितनी हो गई 5/8। मूल भिन्न यानी एक्स अपॉन वाई का मान पूछा है तो एक्स अपॉन वाई का मान निकालेंगे तो 5 × 80 हो जाएगा, इधर चला जाएगा और 8 के गुणा में आ जाएगा 125, ये नीचे आ जाएगा, 8 2 काट दो 80, 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से कट जाएगा 5 2 10, 5 5 25, तो आंसर आ जाएगा 2/5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन को और जल्दी करना है तो आपको क्या करना है, उल्टा कर दिया करो, जो भिन्न दिया है ना 5/8,
इसमें सीधा जो अंश में किया गया है वो हर में कर दो, जो हर में किया है वो अंश में कर दो। तो अंश में 25% की वृद्धि है तो हम हर में 25% की वृद्धि करते हैं। अंश में 20% की कमी है, ठीक है, इसके हर में 20% की कमी है तो अंश में 20% की कमी कर दो, 80 कर दो। अब इसे काट लो, देखो 8 × 80 भाई बन गया, 5 × 25 बार, और 5 × 25 5 × 2 = 10, 2/5। तो यहाँ और कम आपका एक्स वाई नहीं लिखना पड़ेगा, 75 नहीं करना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 96 की। 96 में लिखा हुआ है दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या के 3 गुने तथा दूसरी संख्या के दुगने का योग 127 है। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन हो गया ऐसे ही बन जाएंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि एक्स और वाई मान के करेंगे तो बहुत बड़े क्वेश्चन होंगे, इसलिए ऑप्शन चेकिंग में ज्यादा फायदा होगा। उसने क्या कहा, पहली संख्या के 3 गुने यानी 27 × 3 7 कर जाता था, दूसरी संख्या के दुगने यानी 23 × 2 और इनका योग कितना होना चाहिए, 127। देखते हैं, तो 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6 और 2 = 8 = 81 प्लस 23 × 2 = 46, 6 × 7 = 8 × 4 = 12, 127 हो गया, बिल्कुल सही है, पहला जो कंडीशन थी वो हो गई। अगला, पहली संख्या के 5 गुने, अब पहली संख्या है 27, इसका 5 गुना तथा दूसरी संख्या के 4 गुने का अंतर, दूसरी संख्या 23 × 4, वो अंतर कितना आना चाहिए, 43। तो हम देखते हैं, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10 और 3 × 13 = 135 माइनस 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8 और 1 = 9। अगर घटाएंगे तो 5 × 2 = 3, यहां रह गया 13 × 9 = 4, 43। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 हो गया, अब बात करते हैं 97 में क्वेश्चन की। निम्नलिखित में अभाज्य, देखिए ये कलर इसलिए चेंज है, आप लोग ये भी बता सकते हैं कि कौन सा कलर ज्यादा अच्छा है, येलो या ब्लू, क्योंकि हमें अभी कमेंट आया था इससे पहले के जो कलर थे उनमें बताया गया था कि एकदम स्पष्ट नहीं दिखता है, तो मैंने दो कलर और आपके लिए चूज किए हुए, तो आप कलर कर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि येलो या ब्लू ज्यादा सही है। चलिए, निम्नलिखित में अभाज्य संख्याओं का योग में कौन सा है, तो देखो अभाज्य संख्याओं का योग में कौन सा है वो अलग चीज है, और अराज्य संख्याओं का योग है वो अलग है, यानी यहां पर उसने बोला है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम क्या होता है कि दो अभाज्य संख्याओं के मध्य जो अंतर है वो 2 का होना चाहिए, जैसे 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं लेकिन अंतर 4 का है, 41 और 2 = 43 दोनों ही अभाज्य संख्याएं अंतर 2 का है, इसका मतलब ये राइट आंसर है। यहाँ 13 और 4 = 17 दोनों है, 4 का अंतर है, 7 और 4 = 11 है, 4 का अंतर है, इसका मतलब ये राइट आंसर ऑप्शन बी पार्ट आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पर दिया गया है कि एक संख्या है उसमें उसने पहले लिखा x और उसके बाद 4, 4, 6, 1 और कहा कि यह संख्या यदि 11 से विभाजित है तो इस x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने बताया था 11 से विभाज्यता के नियम, अगर आप नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, इस तरह से हम इनको एक छोड़कर एक पकड़ते हैं और इन्हें जोड़ते हैं। तो ये मान ले x, इस तरह से मान लो ये x है, ये x प्लस अगला ये 4 + 1 माइनस करना है 4 + 6 और ये आपका होना चाहिए बराबर 0 या 11 या 11 से करने वाली संख्या। तो अगर हम इनको देखें तो 5 + x हो जाएगा ये -10 बराबर हमें 0 लाना है। मान लो अगर 0 लाएंगे तो यहाँ 10 बनाना पड़ेगा, तभी 10 - 10 होगा 0। तो यहाँ x की जगह हम कितना लिखते हैं, 5 और 5 = 10 यानी हम 5 रख दें x का मान तो हमारा ये 11 से कट जाएगा। तो ये रूल के आधार पर बहुत जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक प्राकृतिक संख्या को 9, 10, 12 और 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, ठीक है, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इनसे विभाजित होने वाली, इन सभी से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या करनी है, तो वो होता है आपका एलसीएम। एलसीएम वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है और छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी वो संख्या निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम किसका, 9, 10, 12 और 15 का। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका हमने क्या बताया था, सबसे बड़ी संख्या क्या है 15, तो इसके खंड होंगे 3 × 5, तो हमने लिख लिया सबसे बड़े खंड 3 × 5, फिर इसके खंड होंगे 4 × 3, तो इसको 4 को आप लिख लो 2 × 2 × 3। अब 3 पहले से था तो हम नहीं लिख सकते, इसलिए ये 3 नहीं लिखना है आपको। 10 में क्या होगा, 2 × 5, जो यहां पर है वो नहीं लिखना है, जो नहीं है तो वो लिखना है। तो देखिए 2 × 5 है, नहीं लिखना है। 9 में क्या है, 3 × 3, यहां 3 एक बार है तो एक बार 3 लिखना है 9 में। अब ये हो गया आपका एलसीएम, गुणा कर दो, 5 × 3 = 15, 4 × 60 =
छत्तीस अठारह 180 एलसीएम हो जाएगा। आप एलसीएम निकालना जानते होंगे आप अपने अकॉर्डिंग। तो 180 संख्या ऐसी है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन अगर हम इसमें तीन जोड़ दें तो ये तीन से छोड़ती रहेगी हमेशा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 183, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन 100, उचित में कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है? जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से आवर्ती दशमलव, आवर्ती का मतलब क्या है, जो दशमलव के बाद संख्याएं हैं वो रिपीट होती रहे आगे, जैसे 0.3535 या 0.2147373, ये रिपीट होना चाहिए, तो वो संख्या आपकी होगी आवर्ती दशमलव वाली। चलिए क्या इनमें से कौन कौन सी रिपीट होगी, तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, ये तो चेक ही होगी इसकी, तो हमेशा 120। अब ये 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 एकन 12, यानी 2 बट्टे कितना हो गया 10, और इसको भाग देंगे तो 0.2 कहां रिपीट हुआ, रुक गया 0.2 तक। अगला 24 बट्टे 60, अगर हम 24 बट्टे में 60 करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 कितना हो गया 2 बट्टे 5, भाग देंगे 5 का, 5 जीरो की जीरो ना जाता है, बाकुड़े की बिंदी दफना की बिंदी बढ़ा ली, 20 हो गया, 5 और 20, तो 0.4 आ जाएगा, ये भी नहीं आगे चला। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्शन लेते हैं, कितना है 24 बट्टे में 90, और 24 बट्टे 90 को अगर हम काटें किससे कटेगा, पहले तो हम 6 से काटते हैं, 6 चौक 24, 6 एकन 6 छपंजे 30, यानी 4 बट्टे में कितना हो गया 15। अब ये अगर आप काटते रहोगे, क्योंकि अगर आपको 15 में क्या है 3 गुणा 5, और अगर 3 ऊपर नहीं काटता किसी को और नीचे बना रहता है, तो 3 का भाग हम देंगे तो पूरा पूरा कभी नहीं कटेगा। देखो 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 10 में लगा के 40 हो गया, 15 दूनी 30, अब कितना बचा 10, 100 हो गया, 15 छक्का 90, अब कितना बचा 10, 15 छक्का फिर 90, अब इस तरह से जो पॉइंट पॉइंट चलता चला जाएगा। तो आवर्ती का उदाहरण कौन सा हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये थे आज के हमारे 100 तक के क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन, और ये सीरीज हम 100 तक कर दिए। अब हम आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके आर एस अग्रवाल से हैं या आपके क्रेडिट बुक से हैं या कहीं से भी जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम लेके आएंगे आपके सामने कल से। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। तो अब मिलते हैं हम कल की वीडियो में, थैंक यू।